अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जेब। हेलो जेबी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल हैं? जल्दी जल्दी से मुझे ज्वाइन कर लो। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैंने वीडियोस लगाई, पिक्चर्स बीच बीच में लगाती रही जितना मुझे टाइम मिल पा रहा था। टाइम तो कम ही मिल पा रहा था क्योंकि जाहिर सी बात है वहां बंदा जितना उस टाइम को अवेल कर ले और फिर एक छोटा बच्चा आपके साथ हो, उसको देखना, उसकी भी रूटीन, उसका सोना जागना, खाना पीना, वो सारी चीजें, तो वो बहुत कम मुझे टाइम मिल पा रहा था। अपने इंस्टाग्राम पे जो मैंने बनाया है, लोग जब कहीं जाते हैं, मैं जबकि बहुत पतली होकर आई हूँ, आपको सिर्फ इस कैमरे में लग रहा है क्योंकि मैंने कैमरा मोबाइल जो है ना वो चेंज किया लाइव वाला, वरना मैं बहुत पतली होकर आई हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला कोई इवेंट होगा ना तो मुझसे मिलना, आप फिर देखना। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। वैसे यार वाकई सही बोल रही हो आप, मैं इस कैमरे में थोड़ी मोटी मोटी लग रही हूँ। ये फोन है मेरी सिस्टर का, मेरा वो फोन जो है ना वो टूट गया था जिससे मैं लाइव करती थी, तो इस कैमरे में डिफरेंट लग रहा है फेस, सही कह रही है। वरना अगर आप रियल में देखें ना तो मैं बहुत पतली हो गई हूँ। अच्छा, तो लोग वैसे कहीं जाते, मैंने भी सोचा था यार मैं जाऊंगी, मेरे पास बड़ा कंटेंट आ जाएगा, वीडियोस डालूंगी अपने इंस्टाग्राम के लिए जो मैंने पब्लिक इंस्टाग्राम बनाया है, और मैं बड़ी चीजें डालूंगी, मैं बड़ी वीडियोस डालूंगी, सब कुछ डालूंगी। लेकिन और मैंने बनाई भी, बहुत दिल से बनाई, लेकिन वो मुझे डालने का टाइम ही नहीं मिल पाया क्योंकि जब टाइम होता था हम कहते थे यार वहां जाएं, फिर वो सारी चीजें, बस दिमाग उसमें इतना रहा नहीं। हाँ, पेज पे मैंने शेयर किया, आप लोगों को लाइव भी दिखाया एक बार जब मुझे टाइम मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा खुद पहला उमरा था, मेरा खुद पहला एक्सपीरियंस था, और अल्लाह ताला आप सबको बुलाए, सबको सबको बुलाए इंशाल्लाह ताला, मुझे भी दोबारा बुलाए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीन था, मैंने सोचा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं आई हूँ परसों आई हूँ जी, मैं एक्सपो में मिली थी आपसे, योर स्लैम। अभी मैं देखो इंशाल्लाह ताला मैं सोच रही हूँ कि जो है ना कोई इवेंट हो तो मैं दोबारा से इंशाल्लाह ताला करूंगी कराची में ही, तो फिर आप लोग मिलना दोबारा से आके ना, और या जो लोग उस वक्त नहीं मिल सके थे वो लोग मिले उस वक्त। तो मैं आई हूँ परसों, मैंने सोचा था जाते ही लाइव करूंगी वो, लेकिन परसों मैं पहुंची हूँ सुबह आठ बजे घर पहुंची हूँ, कब की निकली हुई, और बिल्कुल वो कहते ना कि घर आके पता लगा हाँ यार थकन है बहुत ज्यादा। और मेरी जान में सारी चीजें बताऊंगी, मैं इतने टाइम बाद लाइव आई हूँ, बस लाइव अच्छा जाए, अच्छी सी शेयरिंग करना मेरा बड़ा दिल है कि मैं अपने उम्र की खुशी में भी अच्छा सा लकी ड्रॉ करूं। और मैंने रखा है 200 अबव व्यूज पे लाइव लकी ड्रॉ, और मैंने खुद तुम लोगों को बहुत बहुत मिस किया, और मैंने जो वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ, जो मैंने चीजें शेयर की, जो मैं लाइव गई काबा दिखाया मैंने लाइव, वो मैंने दिल से किया क्योंकि लोग अपने इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट जमा करते हैं उस पर डालते हैं, मैंने उस पर कुछ भी नहीं डाला। आज दूसरी वीडियो डाली इन 15-20 दिनों में, दूसरी वीडियो आज मैंने उसको लॉगिन किया क्योंकि बस मेरा था कि चलो मैं पेज पे दिखाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं जो, और बाकी मैं पेज पे बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, मतलब मैं काम को भूल गई थी। काम मैंने कहा कि चलता ही रहता है और सब चीजें चलती रहती हैं, और कौन सा मतलब कुछ अर्से के लिए भूल जाओ काम को, मैंने मेरा वो सीन था। तो बस जब रात में फ्री होके मैं बैठती थी, हाँ वीडियोज और पिक्चर्स तो जाहिर सी बात है जब हम कहीं दुबई जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं घूमने, तो हम कितनी पिक्चर्स एंड वीडियोज लेते हैं और दिल से लेते हैं कि यार वाओ इतनी अच्छी बिल्डिंग है, ये है वो है, तो मैंने कहा यार फिर उम्रे पे क्यों नहीं, उम्रे पे तो इससे ज्यादा लेनी चाहिए, तो काबा है और इतनी बड़ी जगह है तो यहाँ पे तो मतलब, तो मैंने बहुत दिल से पिक्चर्स भी ली, वीडियोज बनाई, आप मैं रात में उसको वीडियो को थोड़ा एडिट करती थी और आप लोगों के साथ शेयर करती थी, ये सारी चीजें थी। यूजिंग योर प्रोडक्ट इट्स अमेजिंग, डेली यूज कर रही हूँ, अभी बहुत फर्क नजर आ रहा है, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मेरा बड़ा एक चीज का बड़ा दिल किया, फिर बस मुझे टाइम नहीं मिला। जब मैं लाइव थी, मैं काबा दिखा रही थी लाइव, तो मेरा दिल किया मैं एक बार बीच में ये बात बोल दूं, ये जुमला, और फिर मैंने कहा छोड़ो लोग पता नहीं क्या समझेंगे कि बहुत से लोग, मतलब मैं कितने सालों से लाइव आ रही हूँ,
सारी चीज़ें लाइव प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाना, सारी चीज़ें करना, क्लाइंट्स को इनवाइट करना, सब कुछ करना नहीं, उस तरीके से ठीक था। तो मेरा दिल किया, जब मैं काबा लाइव दिखा रही थी और मैं हरम में थी, तो मेरा दिल किया मैं इस जगह पे खड़े होकर ये बात बोलूं कि बहुत से लोग जिनको पता भी नहीं होता, जो मुझे जानते भी नहीं है, जो पेज पे अचानक से आते हैं, या जो फेक लोग होते हैं, अजीब से कमेंट कर देते हैं, कभी होता है ना नेगेटिव कि यार क्या सब फजूल है, सब बकवास है, कुछ नहीं होता, तो मैं एक बात वहां खड़े होकर बोलूं कि हर्बलाइट का एक एक रिव्यू सच है। मैंने कभी कोई पेड रिव्यू नहीं डाला, कभी कोई पेड चीज नहीं डाली, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं करवाया। तो मेरा बड़ा दिल किया मैं चीज वहां पे खड़े होकर बोलूं, फिर मैंने कहा लोग इस चीज को भी गलत ना समझे कि देखो यार यहाँ भी अपने काम की बात कर रही है, तो मैंने कहा छोड़ो, तो अल्लाह जानता है। तो बस मैंने काम को बिल्कुल छोड़ दिया था वहां पे, मेरा कोई ध्यान ही नहीं था। मैंने कहा पेज कैसा चल रहा है, एक्टिव चल रहा है, नॉन एक्टिव चल रहा है, कोई बात नहीं, मतलब क्या नाम, एक तो पहली बार आई हूँ, फिर दूसरी बात ये कि सारे मतलब हम लोग करते क्या है, बस बैठ के लाइव ही कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, घर को देखना, बच्चे को देखना। हालांकि मालिक की तबीयत वहां इतनी खराब हो गई थी, और मैंने ये चीज बहुत लोगों ने मुझे बताई कि तबीयत लाजमी खराब होती है, मोस्टली वो इसलिए क्योंकि एक तो क्लाइमेट मौसम चेंज होता है, वहां का जो मौसम है ना वो गर्म और खुश्क है, एक तो गर्म भी और खुश्क भी है बहुत ज्यादा। तो मैं सबसे बोलूंगी कि, और एक सिंपल एथ्रोसिन की गोली होती ना, एथ्रोसिन एरेनेक जो हम लोग खाते हैं खांसी के लिए, नजले के लिए, यहां से कितने की मिलती है, वहां पे आपको 1000-1500 की एक गोली मिलेगी, वो गोली जो यहाँ पे हमें 10-15 रुपए की मिलती है। तो अपनी ये चीजें लेके जाएं, क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं, और मालिक इतना बीमार हो गया था कि मैं उसे ले लेके 2 दिन हॉस्पिटल में फिरी हूँ, 2 दिन हॉस्पिटल ढूंढा, सारी चीजें करना, बच्चों का हॉस्पिटल ढूंढना, सब चक्कर। तो लेकिन मैंने उसकी भी इतनी परवाह नहीं की, मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, एक दिन की मेरी नमाजें भी काफी मिस हुई इस वजह से। लेकिन फिर मैंने काम को बिल्कुल समझा छोड़ दिया था कि अभी काम बिल्कुल साइड पर, अल्लाह ताला देख रहा है, काम भी वो देख लेगा, तो बस इस वजह ये सोच के मैंने छोड़ दिया था काम बिल्कुल। अभी मैंने कहा कि अब आई हूं तो लाइव आऊं, सारी चीजें करूं, बट 2 दिन थकन इतनी ज्यादा थी मैं लाइव आई नहीं। अब आज मेरा दिल किया कि चलो आज सैटरडे है, मैं लाइव आती हूं, तो अभी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे एक अच्छा सा लाइव। और अच्छा, मैंने तुम लोग को एक और चीज भी दिखानी है, रुको जरा। एक तो मुझे एक सवाल बड़ा आया, छोटे बच्चे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं स्किन टाइटनिंग के लिए, मेरी जान हेरा, एंटी एजिंग डील यूज करो, हर्बलाइट की बेस्ट बेस्ट है। 200 अबव व्यूज पे जो है हम लोग लाइव लकी ड्रॉ करेंगे, एक अच्छा बड़ी बास्केट वाला लाइव लकी ड्रॉ करूंगी, उसमें 6 से 7 प्रोडक्ट्स होंगे नंबर 1 विनर के लिए, और 3 विनर्स करूंगी, 3 लकी ड्रॉस करूंगी, बट मोर देन 200 व्यूज, ठीक है। तो अच्छे से शेयरिंग करनी है, आज मैं इतने दिनों बाद लाइव आई हूं और मैं बड़ी खुश हूं, तो हर उससे माशाल्लाह से। तो जो है अच्छे से पब्लिक ग्रुप्स में शेयरिंग करो, टैगिंग लाजमी करो, तभी व्यूज बढ़ेंगे और तब हम लकी ड्रॉ करेंगे, 3 लकी ड्रॉ करेंगे, एक भी नहीं 3, उम्रे की खुशी में, ठीक है जी। तो नंबर 1 पे जो होगा उसको बड़ी बास्केट मिलेगी, नंबर 2 वाले को छोटी बास्केट मिलेगी, उसमें 3 प्रोडक्ट्स होंगे नंबर 2 वाले को, नंबर 1 को तो 7 मिलेंगे ना, और जो नंबर 3 पर होगा उसको 2 प्रोडक्ट्स का एक मिनी सा वो बंडल मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हम करेंगे मोर देन 200 व्यूज पे। इसके अलावा हर शेयरर के लिए, जितने भी लोग अपनी थोड़ी सी एफर्ट दिखा रहे हैं या ज्यादा दिखा रहे हैं, जितने भी लोग हैं उन सबके लिए फ्री सैंपल्स हैं, उनकी अपनी मर्जी के जितने भी फ्री सैंपल हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन जिन चीजों के, उनमें से वो चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का फ्री सैंपल, किसके लिए, तमाम शेयरर्स के लिए। अच्छा, एंटी एजिंग का बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मैं उसके बारे में बता दूं, फिर तुम लोगों के साथ मैं एक बच्चे के साथ उम्रे का, मुझे बहुत लोगों ने बोला था अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो वो मैं करती हूँ। अच्छा, एंटी एजिंग के हवाले से थैंक यू सो मच निम्रा, थैंक यू एवरीवन। स्किन ग्लोइंग के लिए और एंटी एजिंग के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह ताला, बस व्यूज बढ़ाओ तभी लकी ड्रॉ होगा, तभी फिर विनर होगा, सब कुछ होगा। मैं कोशिश करूंगी कल भी आऊं इंशाल्लाह ताला, सही है। अच्छा जी, तो ये हर्बलाइट का वो एंटी एजिंग प्लस ग्लोइंग बंडल है, और ये मैं लेके भी गई हुई थी उम्रे पे, ये 2 वाहिद चीजें थी,
एक मैं क्लेंजर लेके गई थी सैफ्रॉन वाला, ठीक है, एक मैं मेकअप मेल्टिंग बाम लेके गई थी क्योंकि थोड़ा बहुत कभी कभी मेकअप में लगा लेती थी, जो बात है उम्र पे नहीं वैसी, कभी बाहर निकलो तो लगा लेती थी, क्लिंजर और ये दो चीजें, क्योंकि इतना ड्राई मौसम था, इतना ड्राई मौसम था, ये भर भर के लगा रही थी हर चीज में मिला के, सनब्लॉक में मिला के, क्रीम में मिला के, नाइट क्रीम में मिला के, हर चीज में। ये जो बंडल है ना, ये आपका एंटी एजिंग ग्लो के लिए, रिपेयरिंग के लिए, स्किन टाइटनिंग के लिए, ये ऑल इन वन बंडल है। मतलब कि आपका फाइन लाइंस हैं, आपके रिंकल्स हैं, आपकी स्किन लूज हो रही है, ये कितना हमारी लाइंस पड़ जाती हैं, हमारी स्किन लटक रही है, लूज हो रही है, कभी एज के साथ साथ होती है, कभी एज से पहले भी होना शुरू हो जाती है। इसमें ये नहीं है कि यार मैं शफक एंटी एजिंग बंडल दिखा रही है, मैं तो अभी 25 साल की हूँ, 24 साल की हूँ, नहीं, जब आप 23 या उससे अबव हो जाते हो तो वैसे भी आपको एक अच्छे एंटी एजिंग प्रोडक्ट अपनी रूटीन में रखने चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम्स जो आपको 30 साल या उसके बाद फेस करता है हर बंदा, इवन 30 साल से पहले भी, आजकल तो 30 साल से पहले, वो आप ना फेस करो, वो ना हो, ठीक है। तो ये हर्बलेट की कश्मीरी सैफ्रॉन रिपेयरिंग क्रीम, साथ में हर्बलेट का 24 कैरेट ग्लो इन्फ्यूजन फेशियल ट्रीटमेंट सिरम, ये दो चीजें ऐसी हैं कि आपकी स्किन पे ग्लो भी लेकर आती हैं, जिनकी स्किन खराब हो गई है डिफरेंट बहुत ज्यादा मेकअप की वजह से, डिफरेंट केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की वजह से, जितनी भी ये जो चीजें होता है ना, स्किन डैमेज हो जाना, हमारी स्किन टेक्सचर्ड हो जाती है, अजीब, वो जो एक प्लेन स्मूथ स्किन होनी चाहिए वो नहीं लगती, डैमेज हो जाती है धूप से, सन एक्सपोजर से बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी स्किन रिपेयर करेगा, ग्लो लेकर आएगा, टाइट करेगा। तो ये एक बंडल आपको बहुत सारे फायदे देता है। इसमें मैं दोबारा से बता रही हूँ, हर्बलेट की कश्मीरी सैफ्रॉन रिपेयरिंग क्रीम है, साथ में ग्लो इन्फ्यूजन फेशियल ट्रीटमेंट सीरम। कहोगे तो उसकी डिटेल बता देती हूँ, वरना ये मुझे सालों हो गए यूज करते हुए भी, और माशाल्लाह रिव्यूज तुम लोग पेज पे, ग्रुप पे, हर जगह देख सकते हो। जाफरान एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, मैं अभी गई थी, मैं अपने बेटे के लिए लेकर आई हूँ, उसको दूध में डाल के भी पिलाने के लिए ना, वहां की भी, सऊदी अरब की भी। जाफरान में हम लोग आजकल, आपने देखा होगा, रेटिनॉल बड़ा इन है, रेटिनॉल रेटिनॉल रेटिनॉल, एवरीवन टॉकिंग अबाउट रेटिनॉल ऑन मोस्ट ऑफ द पेजेस ना, एंटी एजिंग के लिए बड़ा अच्छा है। जाफरान में अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे रेटिनॉल रखा है, आपको केमिकल बेस्ड इंसानों के बनाए हुए रेटिनॉल, एसिडिक रेटिनॉल की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल रेटिनॉल होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मफुल होता है, बहुत सारी चीजों में वो हार्मफुल होता है, वो एलर्जिक रिएक्शन भी कर देता है। तो जाफरान में कुदरती रेटिनॉल है, आपको जरूरत ही नहीं है किसी चीज की कि आप आर्टिफिशियल रेटिनॉल सीरम्स और ये सारी चीजें यूज करो। सो दिस बंडल इज लिट, आपने इसको दिन और रात दोनों में यूज करो। मैं अभी पिगमेंटेशन के बारे में भी बात करती हूँ, और जो जो उम्र की मुबारकबाद दे रहे हैं, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने कश्मीरी सैफ्रॉन रिपेयरिंग क्रीम ली, ठीक है, जिस तरह मैं यूज करती हूँ मैं उस तरह बता रही हूँ। स्किन टाइटनिंग के लिए भी, मरियम मेरी जान, स्किन टाइटनिंग, रिपेयरिंग, ग्लो, स्किन का लूज हो जाना, इन तमाम फ्रेशनेस वगैरह, डलनेस हटाने के लिए, ग्लो के लिए, सबके लिए बेस्ट है। हाँ, मैंने अभी लाइट सा मेकअप किया हुआ है, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा ये ग्लो सीरम मुझे लग रहा है एंड हो गया है, ये बॉटल मैंने वहां दो बोतलें खत्म कर दी 15 दिन में, सोचो मैंने कितना लगाया होगा। इसमें आपने 2-3 ड्रॉप्स लिए। अच्छा, मैं ज्यादा लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, अगर आपकी स्किन ड्राई नहीं है इतनी तो आप कम भी ले सकते हो, अगर आपकी स्किन ज्यादा रफ है, ज्यादा ड्राई है, तो आप 3-4 ड्रॉप भी ले लो, चलेगा। और आजकल अभी स्टिल मौसम खुश्क है, इवन कराची में भी जो मैंने देखा है। नहीं, इसको हल्का हल्का मसाज करो शोमाइला, और वो थोड़ी देर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बल्कि उसे एब्जॉर्ब करो। नाइट क्रीम को मैं मना करती हूँ ना कि एब्जॉर्ब नहीं करो बहुत ज्यादा, ग्लूटाथियॉन को जरूरत नहीं है एब्जॉर्ब करने की, लेकिन सैफ्रॉन क्रीम को करो। अभी मैं अपनी नाइट केयर रूटीन करूंगी तो मुझे देखना मैं किस तरह इसको अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करती हूँ, और अपवर्ड पोजिशन में, ऊपर की तरफ। जरूरी नहीं है कि आप अगर 35-40-50 साल की उम्र में ही जाके अपवर्ड पोजीशन में मसाज करो, अभी भी अगर आप कोई चीज लगाते हो, हद तक कि आप 20-22 साल के क्यों ना, तब भी आप अपवर्ड पोजीशन में करो। एक होता है स्किन का ख्याल रखना कि यार मुझे स्किन अच्छी रखनी है, मैं ख्याल रख रही हूं। एक होता है अपने आगे आने वाले टाइम के लिए भी स्किन का ख्याल रखना कि यार मेरी स्किन वैसे अभी सही है, ठीक है, लेट सपोज एक बंदी है, उसकी एज अभी 18-19-20 साल, इस एज में इतनी स्किन केयर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वो ये सोच के फिर भी अच्छी, जो एक
मिनिमल जो जितना भी जो मिनिमम उसको रिक्वायर्ड है वो प्रोडक्ट यूज करती, ये सोच के कि यार मैं ये सोच के अपनी स्किन केयर ही नहीं करूं कि अभी तो यार मैं 18 साल की हूं, अभी तो मैं 19 साल की हूं, या अभी तो मेरी स्किन पे कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं। जिस तरह कभी आप नोट करना, अच्छा इसको आपने फुली मिक्स करके ना इस तरह लाइट हैंड से आपने इसको मसाज करना होता है। आपने देखा होगा कि यंग एज में लोग कहते हैं अपने बूढ़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी अम्मियों से, नानियों से, आपने सुना होगा, ये बात हकीकत है कि हमने जो उस वक्त खाया था हमारे काम आ रहा है। होता है ना कि यार अब तो हम इतना खा नहीं सकते, जब अब जैसे मैं अपनी मामा की मिसाल देती हूँ, मैं सब छोड़ मैं उन्हीं की मिसाल दे देती हूँ, थोड़ा तुम लोग को समझ आएगी ये चीज, कि वो ये बोलती हैं कि माशाल्लाह मतलब एक एज होती है खाने की भी ना, उसमें हमने सब खाया, उसमें जितना मर्जी खाओ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, खा रहे हैं सब कुछ खा रहे हैं, फुल मतलब चिकनी चीजें भी, फुल मीठा भी, सारी चीजें हम खा रहे हैं, उसमें फर्क नहीं पड़ता। अब वो कहती है कि अब अगर मैं खाऊं एकदम लेटूं तो ऐसा लगता है मेरे खाना हलक में आ गया। एक होता है ना एज के साथ साथ, लेकिन वो जो एक होता है कि जो उस एज में, यंग एज में जो उन्होंने डेली दूध पिया, सारी चीजें खाई, सब कुछ किया, वो एक काम आ रहा है। इसी तरह जब आप स्किन केयर भी शुरू से अपनी रखते हो तो वो आपके आगे जाके काम आती है। पहले से अगर आप छोड़ दोगे कि यार मैं तो तभी करूंगी जब स्किन जो है मेरी लूज होना शुरू होगी, जब मेरे पिगमेंटेशन हो जाएगी, जब मेरी स्किन डैमेज हो जाएगी, तो फिर वो तो फिर टाइम लगता है ज्यादा। डैमेज हुई है किस चीज से उबेस अहमद, मुझे डिटेल में बताइएगा, या अगर आपका ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। उम्र थैंक यू सो मच, उम्र की मुबारकबाद के लिए बहुत बहुत थैंक्स। स्किन टाइटनिंग, रिंकल्स, फाइन लाइंस, लूज स्किन, डैमेज स्किन, ग्लो के लिए ये दोनों चीजों का बंडल बेस्ट है। सीरम के बगैर भी आप क्रीम यूज कर सकते हो, लेकिन सीरम के साथ जो ग्लो आता है, जो सीरम के साथ आपको फायदा होता है, वो खैर आउट क्लास होता है। अच्छा तुम लोग शेयरिंग नहीं कर रहे हो, लकी ड्रॉ मुझे नहीं लग रहा कि आज लोग चार के लकी ड्रॉ हो। विदाउट सीरम भी सैफ्रॉन क्रीम अपना पूरा फायदा देती है, लेकिन सीरम के साथ और ज्यादा जो है वो कर देती है। ओपन पोर्स के लिए और एक्नी स्पॉट्स के लिए मैं बता देती हूँ तुम लोगों को, मैं फिर से बता रही हूँ, शेयरिंग करो जल्दी जल्दी, बिकॉज हर शेयरर के लिए फ्री सैंपल है, और 200 प्लस व्यूज पर जो है लाइव लकी ड्रॉ है। अगर आज नहीं हो तो चलो कल दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैं नाइट क्रीम ड्राइनेस का भी बताती हूँ, ओपन पोर्स और एक्नी का सबसे पहले बता दूं। ओपन पोर्स के लिए तो दो बेस्ट चीजें, बल्कि एक बेस्ट चीज टोनर यूज करो, अपनी रूटीन में रख लो। आपको क्रीम मेरी जान सैफ्रॉन क्रीम तो मसाज करके यूज करनी है ना दिन और रात दोनों में। हेयर सीरम इंशाल्लाह ताला लॉन्चिंग सून है सना, हर्बलेट का ग्लो टोनर, इट्स अलोंग विद हाइलुरोनिक एसिड। ये जो ग्लो टोनर है ये आपके पोर्स भी श्रिंक करता है। टोनर आपको बहुत सारे फायदे देता है, मेरी जान वो चारकोल स्क्रब है, वो स्मेललेस है, चारकोल की कड़वी सी जो स्मेल होगी ना वो आपको आ रही होगी, उसमें कोई खुशबू नहीं है। वो यूज करके देखो, जो आपको सैंपल मिला है ना फ्री, मैं करूंगी इंशाल्लाह प्रीति पिंकी, मैं करूंगी। ग्लो टोनर इज टू गुड। अब मेरे ओपन पोर्स नहीं है मगर मैं टोनर लाजमी लगाती हूँ, क्योंकि जब मैं अगर टोनर नहीं लगाऊंगी, मैं मेकअप कर रही हूं, मैं कुछ भी लगा रही हूं, वो मेरे पोर्स के अंदर जाएगा, मेरे पोर्स बड़े होना शुरू हो जाएंगे, फिर आगे जाके मसला होगा। तो टोनर अपनी रूटीन में रखो अगर आप चाहते हो स्किन टाइट रहे, स्मूथ रहे, प्लेन रहे, यू नो एक लेवल में रहे और ओपन पोर्स नहीं हो, तो टोनर इज अ मस्ट और दिस टोनर इज लव। लोग क्रेजी है इसके पीछे, हर्बलाइट के टोनर के पीछे जाके पेज एंड ग्रुप चेक करना। अनवांटेड हेयर के लिए मेरी जान अभी कुछ नहीं है, थैंक यू सुमेरा। इसके अलावा अच्छा इसके अलावा जिनके पोर्स बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं, लाइक उन्होंने काफी टाइम से ख्याल नहीं रखा, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप साथ में क्ले मास्क भी यूज कर लो। क्ले मास्क एक तो आपकी स्किन टाइट करता है, आपकी स्किन डिटॉक्स करता है, पोर्स के अंदर जो गंदगी है उसको निकालता है और पोर्स को क्लोज करता है, टाइट करता है, विदाउट क्लॉगिंग द पोर्स, सॉरी। ठीक है, तो आप साथ में दोनों चीजें भी यूज कर सकते हो।
क्ले मास्क के बेतहाशा फायदे हैं, गूगल कर लेना कभी, आपको पता लग जाएगा। नॉर्मली क्ले मास्क जो है वो पेस्ट फॉर्म में मिलते हैं रेडी टू अप्लाई, और लोग बड़ा उससे इम्प्रेस होते हैं और लोग उसको बड़ा प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जो रेडी टू अप्लाई मास्क होते हैं, चाहे वो रेडी टू अप्लाई कोई मास्क हो, कोई उपटन हो, कोई भी चीज हो, जो रेडी टू अप्लाई है कि बस वो पेस्ट फॉर्म में है, इट कंटेन्स केमिकल, उसमें केमिकल प्रिजर्वेशन लाजमी होती है, तो वो आपके अपने उस पर। हर्बलेट के जो क्ले मास्क है वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, आप सिंपली इसमें वाटर, रोज वाटर मिलाओ और दैट्स इट। ऑयली स्किन के लिए मेरी जान हर्बलेट का अगर आप नेचुरल, एक मिनट मैं बताती हूँ, रुको, ठीक है। अच्छा, ऑयली स्किन के अगर आप नेचुरल लुक की बात करो ना, कि डेली वेयर के लिए ड्राई पैनकेक इज बेस्ट बेस्ट, फुली मैट ड्राई लुक आता है, 100% स्वेट कंट्रोल है, 100% जो है वो क्या नाम है, ऑयल कंट्रोल है, बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। मैं इसका लाइव यूजेज भी दिखा चुकी हूँ, इस पर वीडियो भी बना के मैं लगा चुकी हूँ। व्हाट्सएप नंबर जो है आप पेज पे देख लो, मरियम जिस पेज से मैं लाइव हूं ना उस पेज पे व्हाट्सएप नंबर देख लो, ठीक है। और जिनको बहुत ज्यादा हैवी कवरेज चाहिए वो पाउडर फाउंडेशन ले सकते हैं, दिस वन, ठीक है। पाउडर फाउंडेशन कभी मैं तुम लोगों को दिखाई चुकी हूँ कि जो है पाउडर फाउंडेशन दो तरीके से यूज होता है। अगर आप इसको ड्राई उसमें लगाओगे लाइक दिस पाउडर की तरह, मेरी जान जैनब प्राइजेस तो सब लगी हुई है, एक मिनट, ये पाउडर फाउंडेशन नहीं, सॉरी, ये लूज पाउडर मैंने उठा लिया था गलती से, सॉरी। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बस हेरा थोड़ी सी किसी वजह से बंद किया था, क्योंकि वो पूरा ऑफिस शिफ्ट हुआ था, वो सारी चीजें मैं बताऊंगी। इसकी कवरेज देखो, अगर हम इसे सिर्फ ड्राई फॉर्म में भी लगाते हैं, आई विश कि आपको दिख रहा हूं, ठीक है, और अगर आप इसे वेट फॉर्म में लगाओगे तो इसमें फर्क क्या आ जाता है पाउडर फाउंडेशन में। पिगमेंटेशन के बारे में अभी बताती हूँ, डिटॉक्स टी के बारे में भी बता देती हूँ। सादिया मुझे देना जरा ये ब्रशेस का वो है ना, ये बास्केट जो है ब्रश वाली, इसमें आपने हल्का सा पानी मिक्स किया, जितना आपने लगाना है उतना निकाल के, और अपना फाउंडेशन इसको बना लिया, तो ये आपका एक समझो कि फाउंडेशन बन जाता है, और ये फुल कवरेज, फुली ऑयल कंट्रोल, फुली स्वेट कंट्रोल है। और माशाल्लाह एग्जीबिशन में देख के जो लोग लेके गए उनको, मेकअप जिन्होंने देख के लिया उनको ज्यादा आइडिया हुआ होगा। आई विश के तुम लोगों को देख रहा हूं। तो ये पाउडर फाउंडेशन है, ठीक है। रेडनेस के लिए, फेस पे अगर रेडनेस हो जाती है, क्ले मास्क, क्ले मास्क के बेतहाशा फायदे हैं मेरी जान। क्ले मास्क ना सिर्फ आपके पोर्स के लिए अच्छा है, आपकी रेडनेस, ब्लेमिशेस जो कि बड़ा बुरा लगता है उसके लिए बहुत अच्छा है, एक्ने को कंट्रोल करता है, स्किन टाइट करता है, सब चीजों के लिए बेस्ट है। क्ले मास्क बहुत फायदे देता है। शुमाइला उपटन लाके मेरी जान स्क्रब भी कर सकती हूँ, नहीं भी करो, मैं तो करती हूँ उपटन से मसाज थोड़ा सा ना, और शैम्पू कंडीशनर हाफ नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, शैम्पू कंडीशनर नेक ऑफ द बॉटल तक होते हैं। बाकी एंटी एजिंग के लिए बता चुकी हूँ, ओपन पोर्स के लिए भी बता चुकी हूँ, ओपन पोर्स टोनर यूज करो साथ में क्ले मास्क अगर ज्यादा है, ठीक है। किस चीज के लिए ऑयली स्किन है रम, मैंने और मेरी सिस्टर ने आपकी फाउंडेशन स्ट्रिक्टली यूज की कसम से बहुत आला है, थैंक यू सो मच। नो डाउट हर्बलेट की मेकअप रेंज बहुत बहुत अमेजिंग है। इरम मेरी जान मुझे थोड़ी सी पिक्चर भेजो इनबॉक्स में, नहीं भेज सकती तो डिटेल में इनबॉक्स में बता दो, मैं वहां तुम्हें डिटेल में गाइड कर लूंगी। अच्छा, एक्नी ट्रीटमेंट के हवाले से मैं गाइड कर दूं थोड़ा सा लोगों को कि हर्बलेट का जो एक्नी सीरम है, ठीक है, अगर तो आप वही एक्नी खत्म करना चाह रहे हो जो आपके फेस पर है तो आप वही अप्लाई करो। हर्बलेट का जो एक्नी सीरम है
अगर आपकी स्किन के अंदर कोई गंदगी कोई एक्नी मौजूद है वो निकाल के खत्म करता है, ये हर बार हमेशा नहीं होता लेकिन कभी कभी होता है, तो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। और अगर आपके फोरहेड पे है तो मेरी जाना फोरहेड पे ही लगा लो, ठीक है, और उसे वेल शेक करके लगाना। और एक और चीज जो बहुत सारे लोग मानते नहीं है, अवॉइड करते हैं, हर्बलेट का बेस्ट सेलिंग ट्रीटमेंट है एक्नी ट्रीटमेंट। पिगमेंटेशन से पहले मैं थोड़ा सा एक्नी का बता देती हूं कि एक्नी ट्रीटमेंट तो माशाल्लाह हर्बलेट का बेस्ट सेलिंग ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसके पीछे लोग मतलब क्रेजी है एक्नी ट्रीटमेंट के पीछे। लेकिन एक चीज, एक तो ये कि इसे वेल शेक किए बगैर नहीं लगाना, दूसरी चीज ये कि अच्छा ऐसे अक्सर लोग मेरे पास आए भी हैं, क्योंकि 100-200 में से कोई एक दो बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी स्किन के अंदर एक्नी मौजूद होते हैं, अब वो ये चीज नहीं देखते। जाइयों के लिए भी बताती हूँ, रुक जाओ, वो ये चीज नहीं देखते। स्किन के अंदर के एक्नी निकल के खत्म होते हैं, इट्स अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर आप किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाओ, आप एंटीबायोटिक लो, वो भी आपके एक्नी निकाल के खत्म करेगी, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं वो आपके निशान स्कार्स छोड़ देती हैं, और हर्बलेट का एक्नी एंड स्कार्स करेक्शन सीरम आपका एक्नी एक्नी स्पॉट्स एंड एक्नी स्कार्स तीनों खत्म करता है। मायरा आप भी और बाकी जिन्होंने कमेंट किया दोनों ही चीज आप सुन ले, ठीक है। अच्छा, मेरे पास मेरी क्लाइंट आई, एक न्यू क्लाइंट, अब उनके एक्नी था, एक्नी सीरम उन्होंने लगाया, उनकी भी एक्नी प्रोन स्किन थी, तो उनके 2-3 एक्नी मजीद निकले और वो इतना परेशान हुई कि मैंने उन्हें अपना पर्सनल नंबर दिया, मैंने उन्हें एक एक्नी बॉटल एक्नी सीरम की जो है वो फ्री भिजवाई गिफ्ट। वो कह रही थी यार मैं यूज करना छोड़ रही हूं, पता नहीं खत्म होगा नहीं होगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि सिर्फ क्लाइंट बनाने के लिए कि एक्नी एक नॉर्मल इशू नहीं। आप लोग चाहते हो यार हमको ये बस वो जो होती है ना कि जकिया मेरी जान सैफ्रॉन क्रीम एंड गोल्ड सीरम ले लो, बेस्ट रहेगा इस एज के हिसाब से भी और वैसे भी। तो मैंने कहा नहीं, मैं चाहूं तो, अब लोग तो होता है खैर जिनको जो फेक वेक होते हैं वो तो होता है कि बस ब्लॉक कर देते, कुछ भी कर देते, मैं चाहती मैं इग्नोर कर देती, लेकिन मैंने उन्हें अपना पर्सनल नंबर दिया क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसे मैसेज किए कि शमक मैंने आप पे बहुत ट्रस्ट किया है और पता नहीं यार मेरे एक्नी ठीक होंगे नहीं होंगे, मैं बहुत डिसहार्ट हो रही हूं। जाहिर सी बात है एक्नी का मसला बहुत ज्यादा था। मैंने कहा नहीं, मैंने ईशल को बोला मेरा पर्सनल नंबर दो, मैंने एक्नी सिरम उन्हें दोबारा भिजवाया, मैंने कहा मैं भिजवा रही हूं इसे यूज करना मत छोड़ना, ठीक है, जहां जहां एक्नी हो लगाते रहना। इरम मेरी जान आपने प्रीवियसली किसके प्रोडक्ट यूज किए, क्या किया है, जहां से भी स्किन वो हुई है ना मुझे दिखाना, मैं आपको सजेस्ट करूंगी फिर इंशाल्लाह उस हिसाब से। अब 1 महीने के अंदर अंदर उसने बोला कि यार शपक मुझे खुद दोबारा ऑर्डर करना है, आप सही बोल रही थी। तो कभी कभी हम बड़ा जल्दी हम वो करते हैं, आप समझते हैं कि यार बस हम उन चीजों से ज्यादा खुश होते हैं। दानों के हवाले से मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो हमारे दाने वक्ती तौर पे दबा दें, जैसे नॉर्मली अक्सर सूदिंग जेल्स मिलते हैं, चीजें मिलती हैं कि बस वक्ती तौर पे दाने थोड़े थोड़े दब जाए हम खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना, आपको इसको जड़ से खत्म करना है, क्योंकि कल को जब वो चीज आप छोड़ोगी तो आपके दाने दोबारा हो जाएंगे, ठीक है। हर्बलेट का एक्नी ट्रीटमेंट ठीक है, बेस्ट सेलिंग ट्रीटमेंट है, सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला, सबसे ज्यादा जो बाहर से यूके यूएस के जितने भी लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू मंगवा रहे होते हैं, इसकी डिमांड सबसे ज्यादा। लेकिन थोड़ा पेशेंस, जब आप एक्नी आपके पीरियड्स प्रॉब्लम की वजह से भी होते हैं, एक्नी आपका ऑयली स्किन, चिकनी चीजें, ऑयली चीजें, तली हुई चीजें भी, रमजान आते हैं, मेरे पूरा साल दाने नहीं होते, एक आध कभी हो गए तो हो गए ईद से पहले 1 या 2 दाने लाजमी होते हैं, क्योंकि पूरे रमजान पराठे खाना, हालांकि मेरी स्किन ऑयली नहीं है, और जिनकी स्किन ऑयली है जब वो फ्राइड आइटम और ये चीजें गर्म चीजें ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं उनको दाने हो जाते हैं। तो ये एक तो ये चीज तुम लोग थोड़ा सा ख्याल रखा करो। सिस्टर मैंने भी मेरे भी एक्नी एकदम नहीं गए थे, एक्नी ट्रीटमेंट 1 मंथ यूज के बाद फेस जबरदस्त हो जाता है, थैंक यू सो मच। अच्छा, एक्नी सिरम माशाल्लाह लोग कुछ 1 महीने में भी रिव्यू दे देते हैं, कुछ को 1 हफ्ता भी लगता है, बस 1 हफ्ते में कहते हैं यार एक्नी चले गए क्या जादू है, कुछ को 3 महीने भी लग जाते हैं, सबकी स्किन डिफरेंट है, ये कोई स्टेराइड बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, या मैं तुम लोगों से यार झूठ, मुझे तुम लोगों को ब्लॉक नहीं करना है,
जब तुम लोग कल को कोई प्रॉब्लम लेकर आओगे ना मेरे पास कि शफक मुझे टाइम लग रहा है या शफक मुझे एक हफ्ता हुआ है, आती है प्रॉब्लम ऐसी, तो मुझे ये नहीं करना कि यार मैं ब्लॉक कर दूं, छोड़ो, नहीं, मुझे आपको क्लाइंट बनाना है, इसलिए मैं क्लियरली ये चीज बोलती हूँ। ना तो मेरे पास ऐसी कोई प्रोडक्ट है कि मैं बोलूं कि यार, और जो ये बोलते हैं वो आपको भी एक, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रही, लेकिन इतना आपको भी आइडिया होगा कि ये सब ऐसे ही होता है। क्या एक चीज 100 लोगों पे एक ही टाइम पे असर करेगी? नहीं। किसी को एक हफ्ता लगता है, किसी को 2 हफ्ते, किसी को 2 महीने, किसी को 1 महीना। सबकी एक्नी अलग है, सबकी, किसी की पीरियड्स इरेगुलर है इस वजह से दाने, किसी की ऑयली स्किन है इस वजह से दाने, किसी को पीसीओएस का मसला है इस वजह से दाने, अलग अलग प्रॉब्लम है। किसी को तेजी से रिजल्ट मिलते हैं, किसी को स्लो, बट दिस इज लिट, आपके दाने हैं, दानों के निशान है या गड्ढे हैं, स्कार्स जिनको हम बोलते हैं, या तीनों चीज है, तीनों के लिए बेहतरीन। आप ही, मेरे भी एक्नी सीरम से पहले पिंपल्स निकले थे, मैं बहुत फैटअप हो गई थी, बट विद इन 2 मंथ्स मेरे एक्नी सारे खत्म हो गए। थैंक यू सो मच। ठीक है, अच्छा अब मैं पिगमेंटेशन डलनेस पर आ जाऊंगी। फाइन लाइंस रिंकल्स के लिए मैं प्रोडक्ट बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एंटी एजिंग किट ना, ग्लो के लिए भी, फाइन लाइन्स वगैरह सब चीजों के लिए। ठीक है, सोप रेंज हर्बल एड की जितनी भी है, चाहे वो ब्राइडल है, चारकोल है, टी ट्री है, राइस व्हाइटनिंग है, ये सब के सब फेस एंड बॉडी दोनों पे यूज हो सकते हैं, बच्चे बड़े दोनों के लिए। ठीक है, अच्छा डे क्रीम में भी सिरम मिला सकते हो, मैं तो मिलाती हूँ, मायरा का भी क्रीम से पहले ही लगा लेती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मुझे अभी तक नहीं भेजा पार्सल मेरी जान, आप एक बार जहां पे आपने ऑर्डर प्लेस किया है वहां पे चेक कर लो। थैंक यू महीर, कैसी है, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, लेकिन फिर यही बात है ना कि पूरे फेस पे अक्सर दाने अंदर मौजूद होते हैं, वो निकलते हैं, तो जहां जहां दाने वहां लगा लो, कोई पूरे फेस पे भी लगाते हैं, देयर इज नो हार्म। इसके अंदर कोई केमिकल तो बहुत दूर की बात, कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, चाहो तो किसी अच्छे लैब से चेक करवा लेना। ठीक है, एंटी एजिंग डील प्राइस मेरी जाना, अभी डील्स प्राइस चेक कर लो, मैं खुद भी ना 15 दिन आउट रह के फूल गई हूँ, शायद 29.50 है डिस्काउंट में। डियर मुझे एक्नी स्कार्स खत्म नहीं हुए, कुछ और मत, हाँ कर लो आप, और स्कार्स किस तरह के मुझे दिखाना जरूर। मुझे मुझ जैसा हर प्रोडक्ट पे शक करने वाली भी बिग बिग फैन है हर्बल एड की, आंखें बंद करके यूज करो। थैंक यू सो मच, मैंने आप लोगों से कहीं ज्यादा मिस किया, और बाकी काम को तो मैं बिल्कुल भूली हुई थी, मैंने कहा काम तो बस अल्लाह ताला के हवाले, पेज एक्टिव हो रहा है, नॉन एक्टिव हो रहा है, लाइक्स आ रहे नहीं आ रहे, कॉमेंट्स आ रहे नहीं आ रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने कहा 15 दिन बस, उसके बाद जाके क्या करना है, यही करना है, काम करना है, सारी चीजें करनी है। अच्छा अब मैं पिगमेंटेशन का बता रही हूँ, कैसा अनएक्सप्लेनेबल अफशा, उसकी कोई मतलब मिसाल नहीं है, वो मतलब बंदा लफ्जों में नहीं बता सकता कि कैसा लगा वहां, जो एक्सपीरियंस है मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और एक चीज मैं बताऊं कि जितनी भी हम बुर्ज खलीफा, ट्विन टॉवर, ये जितनी भी चीजें हैं दुनिया में, आप कहीं भी चले जाओ, ये जो हम बड़ी बड़ी होते हैं ना कि यार वहां पे डिज्नीलैंड है, ये है, वो है, कुछ भी देख लो, लोग कहते हैं ना वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, सब एक तरह, जब आप काबे को देखते हो वो फीलिंग और वो सब एक तरह, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज नहीं है दुनिया में, उसको बस दिल करता देखते रहो सामने बैठ के। और अक्सर ऐसा होता था कि मैं वहां पे नमाज नहीं पढ़ी होती थी, नमाज पढ़ चुकी हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ी, बस मैं बैठ के देख रही हूँ, ऐसा भी होता था। तो मैंने बहुत ज्यादा अपने बेटे की भी परवाह नहीं की, हालांकि वो बीच में बीमार हुआ, वो खा पी नहीं रहा था कुछ भी वहां जाके, कुछ भी, 10 दिन उसने जो है चिप्स बिस्किट, एक होता ना कि 1.5 साल के बच्चे, वो माशाल्लाह प्रॉपर थ्री टाइम मील होता है उसका, लेकिन हाँ मालिक माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अभी भी उसको खांसी है थोड़ी, वहां जाके बहुत बीमार हो गया था, क्योंकि ऐसे बताए क्लाइमेट डिफरेंट होता है, हवा खुश्क है बहुत ज्यादा, बालों पर भी मैं अभी आती हूँ तो, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, मैं कहती यार मैं जहां हूं इस अल्लाह ताला देख रहा है, वो खुद ही देख लेगा। हालांकि बीच में मैं बहुत फेडअप भी हुई इस चीज से कि वो कुछ खा नहीं रहा, जब आपका बच्चा पूरा दिन कुछ ना खाए तो कितना जो है
वो होता है, कितनी टेंशन होती है, कितना स्पेशली माएँ कितनी फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, और मैं खुद इतना टेंशन में आ जाती थी कि मैं क्या करूँ उसका, कि क्यों ये कुछ नहीं खा रहा है, लेकिन नहीं खाता था वहां जाके कुछ। सिद्रा मेरी जान, स्माइल लाइंस के लिए भी ये बेस्ट है, ये जो फाइन लाइंस, लाफ लाइंस, सबके लिए बेस्ट है। और जो पहली नजर है काव्य पे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, मतलब उसका कुछ वो ही नहीं है। और उस वक्त तो आपके मतलब आंसू नहीं रुकते, समझ ही नहीं आता कि ये हम कहाँ आ गए, ये अल्लाह ताला ने हमें कहाँ बुला लिया और हम क्या देख रहे हैं। अनएक्सप्लेनेबल, मतलब कोई उसकी ना मिसाल है ना उसको अब लफ्जों में बयान कर सकते हैं। और ये जो हम वीडियोज में उसमें देखते हैं ना, वीडियोज में और चीजों में, रियली सादिया, शेम ऑन यू। अपनी आप चीजों पर मेहनत करो, बजाय इसके कि आप जो है क्या नाम है दूसरों को वो करो। अच्छा हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो है, और मैं जितने दिन वहां थी, एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने काबे को हाथ ना लगाया। हालांकि हम लोग 20 लोग गए थे, मेरी फैमिली थी, मेरे इन लॉज थे, बहुत लोग थे, सबने हाथ लगाया, किसी ने लगाया, कोई नहीं भी लगा सका, लेकिन एक दिन अल्लाह ताला ने मुझे इतना वो दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब मैंने काबे को हाथ ना लगाया, वो किसी भी तरह जाके किसी भी तरह मैं काबे को हाथ लगा लेती थी, और कभी अकेले, कभी किसी के साथ। बट फ्यू डेज नहीं यूज़ की। एरम मेरी जान, आपका धूप में आना जाना तो नहीं है, मुझे सारी चीजें बताओ, क्योंकि होता है कि जब हम, अच्छा मैं पिगमेंटेशन के हवाले से भी बात करूंगी तो तुम लोगों को ये सारी चीजें बताती हूँ कि पिगमेंटेशन अगर कभी दोबारा होने लग जाए उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। और बस एक चीज होती है, एक और चीज मैं तुम लोग को बताऊंगी कि नहीं मेरी जान, कोलकाता में डिलीवरी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो लोग उम्रे पे गए होंगे उनको तो पता होगा कि जो है, चलो अभी मैं तुम लोगों से बाकी एक्सपीरियंस थोड़ी देर बाद शेयर करती हूँ। थैंक यू सो मच अवेरिया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा है सब कुछ आपके पास, थैंक यू सो मच। हाँ, बस सिर्फ पिगमेंटेशन का मुझे बताने दो, फिर मैं डिटॉक्स टी का बताती हूँ पक्का। मुझे पता है रीबा आप कब से पूछ रही हो। पिगमेंटेशन, झाइया, टूटोन स्किन, डलनेस, ये समझो एक ही कैटेगरी के कुछ हिस्से हैं। किसी के कोई फर्स्ट स्टेज पे होता है थोड़ी बहुत डलनेस हो रही है, सेकंड स्टेज पर होता है कि थोड़े डार्क स्पॉट्स भी हो रहे हैं, चीजें भी हो रही हैं, फिर कोई थर्ड स्टेज पे आता है कि यार पिगमेंटेशन हो रही है, फिर कोई लास्ट स्टेज पे होता है कि जिनके बहुत ज्यादा झाइया हो रही है। तो समझो एक ही कैटेगरी की स्टेजेस हैं, डार्क स्पॉट्स होना, पिगमेंटेशन होना, टैनिंग होना, डलनेस होना, झाइया होना, ये सारी चीजें, ठीक है। हर्बलेट की व्हाइटनिंग किट, मुझे इसके बारे में अगर कोई नया है तो उसको बता देती हूँ, बाकी तो माशाल्लाह जितने यूजर्स हैं, जितने लोगों को पता है। अच्छा पता है मेरा, मैंने अभी ये चीज मैं बता रही थी अब्दुल मुईज आपको जवाब दे रही हूं कि मैं मेरा दिल किया जब मैंने काबा लाइव दिखाया, और मैंने दिल से दिखाया, कोई नंबर बढ़ाने के लिए, कोई उसके लिए नहीं दिखाया, मैंने दिल से दिखाया। मेरे इतने क्लाइंट्स मुझे बोल रहे थे, लोग हर चीज में नेगेटिव पहलू निकाल लेते, मेरा उस वक्त दिल किया जब मैं लाइव काबा दिखा रही थी, उस वक्त मेरा दिल किया कि ये जो लोग आके नेगेटिव बातें करते हैं, ये जो चीजें करते हैं, क्या नाम है, मैं भी रुखसाना बताती हूँ, ये जो नेगेटिव बातें, नेगेटिव कमेंट्स, इस तरह की चीजें, और मेरे साथ तो अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम होता है। कभी कोई किसी के कहने पे, किसी कंपटीशन में, किसी उस पे क्या आगे फजूल कमेंट कर दिया कि तो सब बेकार है, तो झूठी है, तो ये है, तो वो है, तो मेरा दिल किया कि मैं वहां पर खड़ी हूं तो मैं एक बार बोलूं, इस लाइव बोलूं कि मैं यहां पर खड़ी हूं काबे के सामने, और हर्बलेट के जितने रिव्यूज हैं वो सच्चे, एक भी रिव्यू उसमें झूठा नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई एक आधा रिव्यू मेरी फ्रेंड ने भी दिया हो, लेकिन इस्तेमाल करके हजारों लाखों रिव्यूज हैं, लाखों। ये जो लोग आके बोलते हैं ना, इनके अपने रिश्तेदार तो हैं, तो हर्बलेट के अपने रिश्तेदारों से चल रहा है। तो दिल किया मेरा कि मैं बोलूं कि मैं, मतलब जाहिर सी बात है, इस जगह पर हूं, और मैंने काम का फिक्र ही नहीं की थी, मैंने परवाह ही नहीं की थी, मैंने काम को, हर चीज को
साइट पर डाल दिया था। मैंने कहा काम क्या देखते हैं, हम काम ही तो देखते हैं, नमाज के टाइम भी काम, हर वक्त काम ही तो देखते हैं ना। नमाज पांचों वक्त की जो बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं तो नहीं पढ़ रही थी पांचों वक्त की नमाज उम्रे पे जाने से पहले। जुम्मे की पढ़ ली कभी कभी, पढ़ ली कभी पढ़ ली, जो सच है भाई। मैं क्यों बोलूं कि नहीं, मैं बहुत नमाजी हूं, मैं नहीं पढ़ती थी पांचों वक्त की नमाज, लेकिन लेकिन जो सच है वो सच है अभी। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, इसमें भी कोई नेगेटिव वो ना निकाले क्या है। मैंने बोला यहाँ के मैं क्या काम की बात करूँ, अल्लाह ताला देख रहा है, वो खुद ही मेरा काम वो कर देगा, ठीक कर देगा। तो बस बाकी अच्छा हाँ, अब पिगमेंटेशन के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि हर्बरेट की व्हाइटनिंग किट इज बेस्ट सेलिंग ट्रीटमेंट, चाहे झाइयां हो, पिगमेंटेशन हो, या जितनी भी कैटेगरी हो। फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि जिनके ज्यादा झाइयां उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा होता है। अब फर्ज करो मैं यहां बैठी हूं, मेरे साथ एक और बंदी है, मैं बोलूं यार मेरे थोड़ी सी डलनेस है, मैं नाइट क्रीम यूज कर रही हूं, उस बंदी के झाइयां हैं, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो भी नाइट क्रीम यूज कर रही है। तो अपनी खुद अपनी सोच से, अपनी अकल से बताओ कि किसको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, मुझे या उसको। जाहिर सी बात है जिसका कम मसला है, एक बंदी के सालों पुराना मसला है, एक बंदी का चंद दिन पुराना मसला है, किसको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ऐसा होता है ना कि जब हमारी बहुत पुरानी एक चीज, झाइयां हैं, लोग अक्सर औरतें आती हैं कि बच्चों के बाद हो गई थी, डिलीवरी के बाद हो गई थी, प्रेगनेंसी में हो गई थी, उसके बाद हमने छोड़ दिया, अब हमें ख्याल आ रहा है, अब हम सोच रहे हैं कि हम अपना ख्याल रखें, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लग रही होती है। लेकिन कभी कभी बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि किसी का मसला बड़ा है लेकिन उसको जल्दी रिजल्ट मिल गया, किसी का मसला कम है उसको टाइम लग रहा है, क्योंकि अक्सर लोगों की स्किन टेंडेंसी भी थोड़ी ज्यादा और कम होती है। जिस तरह मैं बोलूं किसी का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, वो सर्द मौसम में जाए, बर्फ वाले इलाके में चला जाए, उसको नजला खांसी इतनी जल्दी नहीं होता। कुछ लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक होता है वो फौरन बुखार बुखार पकड़ता है, फौरन वो बंदा बीमार होता है। कुछ लोगों को पैराडॉल का फौरन असर होता है, कुछ लोग दो दो तीन तीन दिन पैराडॉल खा रहे होते हैं कि यार हम तीन दिन खाएंगे जब भी हमारा बुखार उतरेगा। इसी तरीके से स्किन प्रोडक्ट भी, कब किसी की स्किन ऐसी होती है कि बहुत जल्दी जो है वो असर कर रही होती है, किसी पे थोड़ा टाइम भी लग रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो व्हाइटनिंग किट में हमारी जो प्रोडक्ट्स आती है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि यार हम क्या प्रोडक्ट यूज करें सारी चीजें हो जाए, मैं खुद यूज किया और सबको यूज करवा रही हूँ, हर हफ्ते आपका नया ऑर्डर करती हूँ, बहुत जबरदस्त है आपकी प्रोडक्ट, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो व्हाइटनिंग बंडल में तीन प्रोडक्ट्स होते मेन, ठीक है। ये व्हाइटनिंग बंडल मैंने खुद जो है ना वो एक तीन चीजों का बंडल बनाया है, जिसमें आपकी ग्लूटाथियोन नाइट व्हाइटनिंग क्रीम है मेन प्रोडक्ट, आपका व्हाइटनिंग सीरम है और आपका व्हाइट उपटन पॉलिश है। ये तीन चीजें आपके दिन रात की वो बेसिक वो मेन चीजें हैं जो व्हाइटनिंग, डलनेस, टू टोन स्किन, झाइयां, तमाम चीजों के लिए बेस्ट है। अच्छा, इसको आपने यूज कैसे करना होता है, अभी मैं अपनी नाइट केयर रूटीन करूंगी अगर व्यूज अच्छे रहे, वैसे मैं सालों से करती आ रही हूं, आप किसी भी लाइव में उठा के देख लो आपको मिल जाएगा। मेरी जान में अभी वेट लॉस के हवाले से सारी डिटेल दे रही हूं, बस मुझे दो मिनट दो। तो आपकी इसमें दिन रात की वो बेसिक तमाम चीजें मौजूद है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले रात में जब अपने मुंह पे मेकअप वेकअप है उसको उतार लिया, सबसे पहले मैं रात का बताऊंगी कि रात में आपने इसको कैसे यूज करना है। मुंह धो लिया अच्छे से, हमेशा साफ मुंह पे लगाना, मेकअप वाले मुंह पे इस तरह नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ क्लेंजिंग डेली किया करो। आपने अपनी क्रीम ली जितनी आपने लगानी है, अभी मेरे यहाँ हल्की सी बेस लगी हुई मैं लगा के दिखा रही थी, और एडवांस व्हाइटनिंग सीरम, दिस इज वाटर बेस्ड सीरम, हर स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसको दिन में भी लगाना है लेकिन फिलहाल मैं रात का बता रही हूँ। इसके आपने जेल बेस्ड फॉर्म में होता है, ये नॉन ऑयली है। व्हाइट उपटन इज लव, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से मिक्स किया, और ये क्रीम मैंने बहुत ज्यादा ली है, ये क्रीम अगर मैं दोनों हाथों पे भी लगा लू ना तो भी ये लग जाएगी। अच्छे से आपने इसको अप्लाई कर लिया, ये मैं आपको रात का बता रही हूँ, ठीक है। रात में आपने बस ये करना है, आपको इसमें कितना टाइम लगा, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, कितना, बस इतना सा। फिर आते हैं दिन पर, दिन में आपने किस तरह यूज करना है। तो दिन में आपने अपनी जो नाइट क्रीम है ऑब्वियसली इसको तो नहीं यूज करना। ऑयली स्किन के लिए व्हाइटनिंग किट ऑयली स्किन की आती है, ड्राई स्किन के लिए ड्राई स्किन की आती है।
तो अपनी स्किन टाइप की वाइटनिंग किट चूज करना, ठीक है। ये मैंने खुद सेपरेट किया ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, दिन में नाइट क्रीम का तो कोई इस्तेमाल है ही नहीं। दिन में आपने व्हाइटनिंग सीरम लगाना है 2 से 3 दफा, सुबह, दोपहर, शाम, या जब याद आ जाए। कोई जरूरी नहीं है वक्त की पाबंदी, मुझे जब याद आ जाए मैं लगा लेती हूँ, बच्चों के साथ घर में टाइम नहीं मिल पाता। जब आपको याद आ जाए आप अप्लाई कर लो, घर में हो, चाहे किचन में काम करे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। फिर तीसरी चीज व्हाइट ऑप्टन, इसका जब टाइम मिले कर लो। दिन में 3 दफा भी यूज करोगे ना तब भी मजीद फायदा मिलेगा, और हफ्ते में 1-2 दफा करोगे तब भी जब इस्तेमाल करोगे लोग पूछेंगे कि आपने क्या लगाया। ये शादी से पहले एक तो मैं इसको 3-3 दफा लगाती थी, और अब ऐसा होता है कि जैसे मैं उपटन छोटे से ना सैंपल जार में लेके गई हुई थी, 2 दफा मैंने 15 दिन में मुझे टाइम मिला, सिर्फ 2 दफा मैंने यूज किया, क्योंकि जाहिर सी बात है धूप में जाना, फिर नमाज पढ़ना, वो सारी चीजें, तो काफी रंग डल भी हुआ सारी चीजें, क्योंकि मैं खुद इतनी केयर नहीं करी थी। नाइट क्रीम मैंने मुश्किल से 1-2 दफा लगाई, तो काफी रंग धूप से डैमेज भी हुआ, सनब्लॉक भी कभी लगा रही कभी नहीं लगा रही, सो मुझे परवाह ही नहीं थी बस किसी भी चीज की ना। हालांकि मैं बड़ी चीजें लेके गई थी स्किन केयर की, ये वो, लेकिन सब भूल गई थी। तो व्हाइट उपटन बच्चों बड़ों दोनों के लिए बेहतरीन चीज है। कंप्लीट व्हाइटनिंग किट 2750 डिस्काउंटेड डील है, और अभी प्राइजेस कुछ अरसे बाद चेंज होने वाली है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की वजह से कसम से मैं मुझे इतना वो हो रहा था। हालांकि उम्रे के टाइम पे, जब मैं उम्रे पे जा रही थी तो मुझे ये चीज अनाउंस करनी थी। हेलो मिशेल, हाउ आर यू, आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ऑयली टू कॉम्बिनेशन वाली कर लो सना, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो मैं ये देख रही थी कि यार रमजान आ रहा है, मतलब कि अभी मैं भी रमजान ऑफर्स लगाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आप सब लोगों के लिए जितना हो सकेगा डिस्काउंट उसमें दूंगी। वजू से तो उतर जाता है ना, वजू के बाद तो रिप्लाई करना पड़ता है मारिया। अच्छा, ये चीज है कि जाहिर सी बात है वजू से क्रीम भी हटती है, वजू से सब कुछ हटता है, और बहुत दफा हम लोग नमाज में सुस्ती इसी वजह से करते हैं कि वजू करना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। खैर, तो कंप्लीट व्हाइटनिंग किट इज फॉर 2750, और ये व्हाइट उपटन वो चीज है कि जो आप बच्चों के लगाओ, आप अपने लगाओ, दोनों के लिए सेफ एंड बेहतरीन। जो लोग कहते हैं ना बच्चों का रंग डल हो रहा है बाहर खेल खेल के या कुछ भी करके, तो उनके लिए हम क्या यूज करें, व्हाइट उपटन बेहतरीन। सैफ्रन क्रीम में वाइटामिन ई ऑलरेडी मौजूद है शुमैला, फिर भी अगर आप और करना चाहो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, अब मैं 2 चीजें समझा दूं व्हाइटनिंग के हवाले से, तो मैंने बता दिया 2 चीजें हैं। लोग डे टाइम के बारे में पूछते हैं, तो मैं उम्रे पे गई हुई थी मिशेल, मिस यू टू मेरी जान, थैंक यू सो मच। हाँ, 2 चीजें हैं। पिगमेंटेशन के हवाले से जो लोग बोलते हैं, हाँ, कंप्लीट व्हाइटनिंग किट, फेशियल किट डिस्काउंटेड प्राइस है 2550। जो लोग ये पूछते हैं, हाँ मैं मेरी जान, बस मैं व्हाइटनिंग के टॉपिक को खत्म करके स्लिमिंग टी पर आ रही हूं, ये मैंने निकाल के रख ली। व्हाइट उपटन को जब तक खुश्क हो तब तक लगाए रखो, फिर आप वॉश कर लो, ठीक है। स्लिमिंग टी पे बस मैं आ रही हूं, मैंने यहां रख ली अपने पास। एक तो जब हमारे डलनेस हो रही है, जब हमारे टू टोन स्किन हो रही है, हम जितनी भी क्रीमें रात में लगा लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हम, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कराची मीना, धूप में आप जा रहे हो, आप जॉब करते हो, कुछ भी करते हो, या आप हफ्ते में 1-2 दफा भी जा रहे हो शॉपिंग पे किसी भी मकसद से, सनब्लॉक नहीं लगा रहे, धूप आपको काला करेगी, वो ये नहीं सोचेगी कि यार ये फला बंदी जो है रात को हर्बलाइट की नाइट क्रीम लगाती है तो मैं इसको काला नहीं करूं, तो मेरी जान धूप तो आपको काला करेगी। आप रात में क्रीम लगाओ फिर आप धूप में चले जाओ। आप इसकी वही मिसाल हो गई कि एक बंदा रोज जिम जाता है वेट कम करने के लिए, फिर आके वही पिज्जा बर्गर सब खा लेता है, कहता है मैं तो कहता, तो मेरी जान फिर फायदा नहीं। धूप से किसने खुद को बचाना है, आपने बचाना, ठीक है। हर्बलेट का मिनरल बेस्ड सनब्लॉक बच्चों बड़ों दोनों के लिए बेहतरीन, दोनों के लिए बेस्ट, नो फ्रेग्रेंस, नो पैराबेंस, नो एक्स्ट्रा केमिकल, ठीक है। हर्बलेट मिनरल बेस्ड सनब्लॉक बच्चों के लिए बेहतरीन रहते हैं, ठीक है। फिजिकल सनस्क्रीन्स में केमिकल्स होते हैं, ये भी आप गूगल कर लेना, ठीक है। 70+ SPF के साथ है, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन है, इस चीज से आप अंदाजा लगा लो, ठीक है। तो सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करो, एक तो ये चीज, हाँ ऑयल के बगैर भी लगा सकते हो, रूट से टिप्स तक पूरे बालों में लगा सकते हो सुमेरा,
डे क्रीम का टेक्सचर नॉर्मल है फाइज, आप थोड़ी भी लगा सकती हो, नॉर्मल है ना, ऑयली ना ड्राई। टोनर प्राइस 9.99 मेरी जान। हेयर कलर शैम्पू हर्बलाइट का माशाल्लाह इस वक्त बेस्ट सेलिंग जा रहा है। हेयर कलर शैम्पू कंडीशनर दोनों बॉटल्स आपको मिलती है डिस्काउंट में 1950 में। तो मेरी जान मारिया, अगर आप डेली क्लिंजिंग करोगे ना, स्किन साफ रखोगे, फिर नहीं होंगे, हफ्ते में एक आध बार स्क्रब कर लो। हाँ मेरी जान, स्किन पॉलिश हर्बलाइट की बाल गोल्डन नहीं करती, वो ब्लीच वाली नहीं है। वालेकुम अस्सलाम रूबी मेरी जान, आई लव यू। मैं आपको जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रही। पिगमेंटेशन के लिए व्हाइटनिंग किट बेस्ट है, हर्बलाइट की व्हाइटनिंग क्रीम। अगर आप ओनली नाइट क्रीम भी लेके ट्राई कर लोगे, इंशाल्लाह ताला यू विल बाय व्हाइटनिंग किट, फुल व्हाइटनिंग किट नेक्स्ट टाइम। दूसरा एक होता है कि लोग कहते हैं हम हल्की फुल्की धूप से गुजरना हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धूप में गुजर है और थोड़ा यू ना एक अच्छा ब्राइट लगे फेस, हमें डेली फाउंडेशन ना लगाना पड़े, उसके लिए हर्बलाइट की डे व्हाइटनिंग क्रीम बेस्ट चीज है। मैंने तो अभी मुंह पे फेस पाउडर भी लगाया हुआ, सब लगाया हुआ है। इसकी मैं तुम लोग को एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, गर्दन पे लगा के दिखा देती हूँ, गर्दन पे लगाया हुआ ये हर्बलाइट की डे व्हाइटनिंग क्रीम है। मतलब आपको एक अच्छा सा, ये देख रहे हो, ब्राइट लुक दे देगी और SPF 35 के साथ है। मतलब SPF बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आपको एक अच्छा ब्राइट लुक मिल जाता है, समझ रहे हो। अभी मैं फेस पे भी हमेशा लगा के दिखाती हूँ लेकिन अभी मेरे फेस पाउडर लगा हुआ, फायदा नहीं है। तो जिनको कहीं आना जाना होता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कहीं भी, या बच्चों के अपने भी लगा सकते हो, तो डे व्हाइटनिंग क्रीम ले ली और बस उसको लगा लिया। लेकिन अगर तेज धूप में जा रहे हो तो सनब्लॉक लाजमी है, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया व्हाइटनिंग के हवाले से, मैं थोड़ा सा स्लिमिंग टी के हवाले से गाइड कर दूं, फिर हम बालों के बारे में बात करेंगे। बालों के बारे में बताने से पहले मैं तुम लोग को बताऊं, उम्र की जैसे मेरे बाल कितने छोटे हो गए तुम लोग देख सकते हो। मैंने सोचा मैं जरा हेयर ग्रोथ चैलेंज ले लूं क्योंकि उम्र में आपके बाल कटते हैं ना, तो वो कट कट के मैंने खैर तीन उम्र की, क्योंकि मक्का में हमारे इतने दिन थे नहीं, तो जितने भी दिन थे बस मैंने किया हिम्मत करके उम्र के बस, तो बाल इतने से रह गए अब तो। टोनर मेरी जान, जब आपको मुंह धो कुछ भी लगाने से पहले टोनर लगा लो। मैं तो ऐसी हाथ में निकाल के लगा लेती हूँ, खुद स्किन देखोगे कैसी हो गई है, खुद आपका दिल करेगा बार बार जो है मैं लगाऊं। ऑर्डर आप वेबसाइट से भी प्लेस कर सकते हो, www.herbalife.pk। जिस पेज से मैं लाइव हूं उस पेज को आप लाइक करो, फॉलो करो, वहां पे वेबसाइट व्हाट्सएप नंबर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है, वरना आप मुझे इनबॉक्स कर दो, ठीक है। सनब्लॉक हर्बलाइट का वाटर रेजिस्टेंट है, वजू से नहीं उतरेगा, जब तक रगड़ के नहीं उतारोगे नहीं उतरेगा, ठीक है। सनब्लॉक की क्वालिटी है, इसीलिए जब आप पिकनिक वगैरह पे, अभी तो गर्मियां आ रही है, पिकनिक वगैरह पे या सी व्यू वगैरह कहीं सी साइड वगैरह जाते हो, तो उसके लिए भी अच्छा है कि आपका वाटर रेजिस्टेंट है, पानी से आराम से नहीं उतरेगा। सैफ्रन क्रीम तो मसाज करके वही दिन और रात दोनों में लगानी है। अब अरीबा जो है ना वो मुझे मारेंगी पकड़ के, अब अगर मैंने स्लिमिंग टी का नहीं बताया। मैं भी बालों के तमाम प्रोडक्ट्स पर आती हूँ, पहले मैं स्लिमिंग डिटॉक्स टी का बता दूं, ठीक है जी। मैं भी बालों का सब कुछ रूबी मेरी जान अभी बताती हूँ। स्लिमिंग डिटॉक्स टी, मैंने जो प्रेगनेंसी के बाद वेट कम किया था वो इसी टी से किया था, तुम लोगों के सामने बना, शादी से पहले जो किया था वो भी इसी से किया था, और उसके तो प्रूफ पड़े हुए हैं। प्रूफ कैसे, जब तुम लोग मेरे पुराने सेशंस उठा के देखोगे, हर सेशन में मैं टी बना रही हूँ, किचन में जाके टी पी रही हूँ, सामने सामने के सामने, इतना बड़ा प्रूफ, मतलब हर कोई इतना बड़ा प्रूफ नहीं देता। बाकी माशाल्लाह रिव्यूज भरे पड़े उसमें, वो लोग भी हैं कि जो है मेरी जान हर्बलाइट का ड्राई टच सनब्लॉक ले लो, ड्राई टच सनब्लॉक भी है हर्बलाइट का जो फुली मैट है, 100 SPF के साथ है, वो ले लो। डे क्रीम स्किन ऑयली नहीं करती, नॉर्मल टेक्सचर है, ना बहुत ऑयली ना बहुत ड्राई, ठीक है। और अगर मुझे होता ना कि मुझे थोड़ा मैट लुक चाहिए, तो मैं डे क्रीम के ऊपर हल्का सा फेस पाउडर भी लगा लेती हूँ कभी कभी। अच्छा जी, तो हर्बले अभी जो मेरा तुम लोग को वजन कम लग रहा है, अभी तो मैं खैर झूठ नहीं बोलूंगी, उम्रे से पे जो मैं गई हूँ उम्रे पे इतना चले हैं कि ऑलरेडी वेट कम हो गया, वरना स्लिमिंग टी तो बनाने पीने का टाइम ही नहीं था, वहां पे लेके भी नहीं गई थी मैं।
माशाल्लाह हर्बलेट की स्लिमिंग डिटॉक्स टी के रिजल्ट्स ऐसे हैं कि ना सिर्फ वेट लॉस बल्कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स खवातीन की बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल करता है। इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओएस के मसले मसाइल, कंसीव ना करना, इन्हीं मसले मसाइल की वजह से माशाल्लाह कितनी खवातीन ने कंसीव किए, आपका पूरा हार्मोन सिस्टम जो है उसको बैलेंस कर देती है ये स्लिमिंग डिटॉक्स टी। मतलब वेट लॉस तो एक है ही है ना, वो तो साइड पर है, वो तो मेन मकसद है, इसके अलावा ये आपको इतने फायदे देती है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, आप एक्टिव फील करते हो, आपको सुस्ती नहीं होगी, आपका एपेटाइट कंट्रोल करके छोटा करती जाएगी, ये भी चीज आप फील कर लेना, विद इन वन मंथ ही आपको आइडिया हो जाएगा सारी चीजों का। इस टी को आपने बनाना कैसे है, आपने एक बड़ा मग लिया पानी का, जो बड़ा मग होता है, छोटे कप की मैं बात नहीं कर रही, बड़ा मग आपने पानी का लिया और उसको पैन में डाला और बड़े मग से इतना पानी एक्स्ट्रा आपने और डाल दिया, क्योंकि इसको आपने पकाना है, ये नहीं कि बस गर्म पानी में डाला और पी लिया, नहीं, एक चाय का चम्मच आपने टी ली, उसमें डाला और पकने के लिए छोड़ दिया हल्की आग पर। कोई स्लिमो वो भी पी सकता है, माशाल्लाह इतनी लड़की है जो कहती है चमका हमारा वेट कम हो गया फिर भी हमें टी चाहिए, क्योंकि हमें एंटीबायोटिक्स नहीं खानी पड़ती है, इस टी से हमारे पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, हमारा बॉडी सिस्टम इतना अच्छा रहता है, फटीग नहीं होती, हेडेक नहीं होता, कि हमें ये टी वैसे भी चाहिए, तो माशाल्लाह से बहुत लोग हैं। ये आपका ओवरऑल पूरा वेट कम कर दिया इंक्लूडिंग आपका बैली, तो इस चीज से आप बेफिक्र हो जाओ कि मेरा बैली है, ये आपके फैट को टारगेट करेगी, और इसको आपने गर्म पीना होता है, बगैर छाने आप निकालो, जब वो फुल पकने लग जाए, जब आपको लगे कि यार जो मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला है ना वो खुश्क हो गया और अब जो टी है वो सिर्फ एक मग रह गई है बस, फिर आप उसको निकालो बगैर छाने और गर्म पियो। मैं ये नहीं कह रही कि अपना मुंह जला लो, लेकिन ठंडा भी नहीं पियो, गर्म पियो, ठीक है। मेरी जान हर्बलेट के जो स्किन केयर प्रोडक्ट है उनकी 2 से 2.5 साल की एक्सपायरी है आफ्टर ओपनिंग द प्रोडक्ट, क्योंकि हर 15 दिन बाद नया स्टॉक आता है, हमारा स्टॉक माशाल्लाह रुकता नहीं है, और जब आप इसे गर्म पियोगे तो आपको एक्सेसिव स्वेटिंग फील होगी, क्योंकि जो आपकी एक्स्ट्रा चर्बी है वो पिघलती है, चाहे वो पेट हो, चाहे वो कमर हो, चाहे आपके बाजू, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन का इश्यू भी रिजॉल्व होता है, आपकी भूख कंट्रोल होती है, आप एक्टिव फील करते हो, जो सुस्ती और ये हैवीपन या अजीब सा वो जो बॉडी में वो सारी चीजें खत्म होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करती है। सैफ्रन क्रीम दिन और रात दोनों में मेरी जान नायला दिन में जब चाहे 1-2-3 बार जब चाहे, और रात में तो एक ही बार सोते हुए, मतलब जब करते हैं तो करते हैं, टोनर लगा के ऊपर बिल्कुल लगा सकते हो, टोनर लगा के थोड़ा उसको ड्राई होने का वेट करो, फिर उसके ऊपर अपनी जो भी लगानी है चीजें, मेकअप की, रात की, स्किन केयर जो भी है वो लगा लो, लेकिन फर्स्ट टोनर, जिसके ओपन पोर्स हो उसे भी लगाना चाहिए, उसे तो लगाना ही चाहिए। इसके अलावा भी क्लिंजिंग माम के रिव्यूज फातिमा हो तो मैं हर सेशन में यूज करती हूँ, माशाल्लाह उसके रिव्यूज क्या, उसके तो आप मुझे इस सेशन में देख लो आप पागल हो जाओगी, उसके रिजल्ट ऐसे अमेजिंग है, हर्बलेट की मेकअप मेल्टिंग बाम ना, उसके बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती, उसके बगैर गुजारा है ही नहीं, वो इतनी जबरदस्त चीज है। कल मैं एक अच्छा सा मेकअप का सेशन करूंगी, क्योंकि आज व्यूज जो है ना इतने नहीं, इतना मजा नहीं आया आज, मैं काफी टाइम बाद आई हूं ना लाइव, कल अच्छा सा लकी ड्रॉ करेंगे, पहले से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, मेकअप का भी करेंगे, तो कल मेकअप मेल्टिंग बाम और सारी चीजें कल मैं दोबारा से लाइव यूज करके दिखाऊंगी। अच्छा, बालों का मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, अच्छा आपने कभी यूज नहीं किया मेरी जान, कभी कोई एक छोटी सी चीज भी लेके ट्राई करना, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी। टी आपने 2 दफा पीनी है, सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, और बाद में, पहले नहीं, इसी तरह सहरी के बाद और इफ्तारी या डिनर दोनों में से एक के बाद, जो भी आपका लास्ट मील हो रमजान में उसकी वो टाइमिंग हो, ठीक है, सहरी के बाद और इफ्तारी के बाद, अगर आप डिनर करते हो तो डिनर के बाद ले लो, अगर आप डिनर नहीं करते तो आप इफ्तारी के बाद ले लो। मेकअप मेल्टिंग बाम 1199 मेरी जान। अच्छा, क्लिंजर कौन सा अच्छा है, मैं बालों की तरफ आ रही थी लेकिन मैं क्लिंजिंग एंड स्क्रब्स दिखा देती हूँ, थायराइड पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, थायराइड खत्म नहीं करती मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन थायराइड कंट्रोल करती है, थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल मेरी जान मिशेल,
हर्बलाइट का हेयर कलर शैम्पू आपको क्या लगता है सिर्फ खवातीन बाय कर रही है? नो मेरी जान, लड़के लड़कियां दोनों की इक्वल मिकदार है माशाल्लाह से जो इसको बाय कर रहे हैं, जो इसके रिव्यूज माशाल्लाह देखो तुम लोग। हर्बलाइट का इंस्टेंट सॉल्यूशन जो हर्बलाइट ने निकाला है ना लोग, हयात मेरी जान अब थोड़ी अप्लाई कर लो या उसके ऊपर हल्का सा फेस पाउडर अप्लाई कर लो, क्योंकि किसी की ऑयली स्किन होती है उनका मेकअप भी फौरन उतर जाता है। तो आप टोनर लगाओ, फिर आप क्रीम लगाओ और अपना फेस पाउडर लगा लो। या अगर आप ऐसी डेली वेयर की अगर आप बाहर जाती हो ना और आपको ऐसी चीज देखना चाह रही हो जो नेचुरल भी लगे, तो हर्बलाइट का ड्राई केक फाउंडेशन ले लो, बेस्ट है। ड्राई केक फाउंडेशन ले लो, बहुत नेचुरल लगता है और इतना फुली मैट, फुली स्वेट कंट्रोल, फुली ऑयल कंट्रोल। थैंक यू मेरी जान अनम। न्यू प्रोडक्ट में यार उम्र की वजह से मैंने बिल्कुल उसकी न्यू प्रोडक्ट की तैयारी भी छोड़ दी थी, मैंने कहा सारे काम बाद में, पहले ये चीज है। अब आई हूं, अब इंशाल्लाह ताला बस जल्दी कोशिश करूंगी कि ईद से पहले पहले कैरेटिन शैम्पू आ जाए, हेयर सीरम आ जाए, ये दो मेन चीजें तो बस जल्दी से आ जाए। सनब्लॉक से पहले व्हाइटनिंग सीरम लगाओ इरम मेरी जान, और व्हाइटनिंग क्रीम कौन सी? रात वाली क्रीम पे तो सनब्लॉक का कोई काम ही नहीं है ना। 70+, 80+ टीनेजर हर कोई माशाल्लाह स्लिमिंग टी यूज कर रहा है और कर सकता है। मैं नंबर लिखवा देती हूँ, 0323-332-034, 0323-332-034। ये व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन व्हाट्सएप पे रश बहुत ज्यादा होता है। कोशिश करो इनबॉक्स में कॉन्टेक्ट करो, जिस पेज से मैं लाइव हूँ उस पेज पे जाओ, तो कॉन्स्टिपेशन गैसेस के इशू के लिए भी अच्छी, तो उस पेज पे आपको वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू नसीमा। जेंट्स को बॉडी पर, अच्छा बॉडी हेयर, मेरी जान देखो बॉडी पे भी कलर लग सकता है, वो उतर जाएगा साबुन से, कोई मसला नहीं है, लेकिन मतलब समझ नहीं आ रही, बॉडी हेयर करवा सकते हो उसमें कोई मसला नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन या तो फिर वो एहतियात से लगाए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो क्लेंजर मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। क्लेंजर्स, फेस वॉशेज, स्क्रब, फेशियल रेंज जितनी भी है, आज मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वैसे तो मैं बताती रहती हूँ, लेकिन हर्बलाइट ने एक एक प्रोडक्ट जो है ना वो कैटेगरी वाइज मतलब वो किया हुआ। थैंक यू अयमन, थैंक यू एवरीवन, कि मतलब जिसकी जैसी स्किन है वैसा क्लेंजर वो यूज कर सके, जिसकी जैसी स्किन टाइप है वैसा फेस वॉश, वैसा स्क्रब, हर चीज हो। टी का रिजल्ट तरीबा कुछ एक हफ्ते में दे देते हैं, वरना विद इन वन मंथ, विद इन 40 डेज आपको मिल जाता है। वैसे तो कुछ एक हफ्ता, कोई दो हफ्ते, कोई तीन हफ्ते, माशाल्लाह सबके अपने अपने अलग अलग रिव्यूज हैं। अगर आप रिव्यूज उठा के देखोगे ग्रुप पे तो आपको पता लग जाएगा, इसमें ना आइडिया हो जाएगा इस चीज का। बस अभी व्यूज बहुत कम हो गए, मैं जल्दी जल्दी बता के एंड करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम एनी, मेरी जान फेस पे बालों का मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है अभी। तो अगर हम क्लेंजर की बात करें, अच्छा यहां पे मैं एक चीज बताऊं, क्लेंजर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, डेली स्किन केयर रूटीन। आप कितना भी मेकअप रिमूव कर लो, सब कुछ कर लो, या मेकअप नहीं लगा, या आप घर में भी हो, तो ये जो लोग ये बोलते हैं ना कि यार हम तो घर में, हमारे फेस में गंदगी कहां होगी, मेरी जान होती है, जब आप करोगे तो आपको दिखेगी। हमें लगता है हमने मुंह धो लिया हम क्लीन हो गए, नहीं। मैंने लिटरली लोगों को सालों हो गए, नहीं नहीं रिएक्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मिशेल, उस चीज से तो होता। आप हर्बलाइट के प्रोडक्ट सालों से आप क्लाइंट, तो आपको आइडिया होगा कि हर्बलाइट के प्रोडक्ट कैसे हैं, आपको पता होगा। लकी ड्रॉ कल होगा, क्योंकि लकी ड्रॉ वाले व्यूज नहीं आए, लकी ड्रॉ वाली शेयरिंग नहीं हुई, वरना मैं आज ही करती, मेरा तो दिल था। अच्छा जी, तो हर स्किन टाइप का अपना क्लेंजर मौजूद है, इसमें सैफ्रॉन है, इसमें अरेबिक कॉफी है, इसमें टी ट्री है, इसमें चारकोल है, इसमें 4-in-1 व्हाइटनिंग क्लेंजर है। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से गाइडेंस ले सकते हो, यूज कर सकते हो। सारे क्लेंजर्स फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबेन फ्री है, ठीक है। हर एज में आप इसे यूज कर सकते हो, टीनेजर्स भी कर सकते हैं, बड़ी एज के लोग भी। आपके पोर्स के अंदर बहुत गंदगी, धूल, मट्टी, गर्द जमा होती है। आपका घर बंद है अगर, तो क्या आप डेली सफाई नहीं करते? डेली झाड़ू पोछा डस्टिंग करते हो ना, क्योंकि मिट्टी आ जाती है कहीं ना कहीं से। इसी तरह आपकी स्किन के अंदर भी
टी ट्री फेस वॉश एक्नी वालों के लिए बेहतरीन है एमन, और डार्क सर्कल सिरम आपके आई बैग्स, आई पफिनस, डार्क सर्कल्स, तीनों चीजों के लिए। मुझसे किसी ने पूछा भी था आई बैग्स का, वाइटामिन के एंड कैफीन के साथ है, आपने देखा होगा अक्सर मुझे भी यूज करते हुए अपनी नाइट केयर रूटीन में। इसको रात और दिन दोनों में लगाओ, दिन में भी 2 से 3 दफा और रात में भी। हयात मेरी जान, मैं भी आपको गाइड करती हूं। तो जब पोर्स के अंदर जो मट्टी, धूल, गर्द, ये सब चीजें होती हैं, ये क्लेंजिंग से निकलती हैं। इसी तरह आप स्क्रब अगर ले लो, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स जो होते हैं वो भी इसी वजह से बनते हैं, क्योंकि हम क्लेंजिंग नहीं करते वो चीजें, मेकअप, बचा कुचा पोर्स के अंदर, क्रीमें, नाइट क्रीम हो, डे क्रीम हो, सन ब्लॉक हो, कोई भी चीज हो, पोर्स के अंदर तो वो जा रही है ना। मारिया मेरी जान, ऑयली चीजें कम खाओ, एक्नी सीरम यूज कर सकती हो। तो डेली क्लेंजिंग, हफ्ते में 1 से 2 दफा एक्सफोलिएशन, स्क्रब। स्क्रब में भी तुम लोगों को, अगर आप पूरी फेशियल किट भी लेते हो, हबरिक की फेशियल किट का एक तो साइज बहुत बड़ा है, आपको फुल जंबो साइज मिलता है, स्किन पॉलिश, स्क्रब, क्लिंजर, मास्क, सारी चीजें उसमें मिलती हैं। और फेशियल किट लेने का फायदा ये कि आपकी डेली स्किन केयर रूटीन की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, प्लस साइज जंबो है। वालेकुम अस्सलाम हुरमत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। ठीक है जी, स्क्रब्स के भी मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं। वैसे तो मैं बहुत बार लाइव फेशियल दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जिन्होंने नहीं देखा मैं दिखाऊं कि मिल्क शेक देखा है आपने कभी? बनाना शेक, मैंगो शेक पिया होगा ना कभी, मिल्क शेक जैसी कंसिस्टेंसी है, कोई मोटे हार्श बीट्स नहीं, कुछ नहीं। वालेकुम अस्सलाम मिद्दे सईद, सो जेंटल, सो जेंटल, इट्स जस्ट लाइक बटर। अभी जब हुआ था ना, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। वाज ईमान मेरी जान, इनबॉक्स कर दो, मुझे इनबॉक्स कर दो। हमारे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और ये जो स्किन अच्छी ना लगना, टेक्सचर्ड हो जाना, बम्प्स आ रहे हैं, कहीं पोर्स नजर आ रहे हैं, चीजें क्यों होती है? रात में क्रीम लगा के सोए, नाइट क्रीम, सुबह उठ के मुंह धो लिया, क्रीम आपके पोर्स के अंदर जाती है, स्पेशली जब आप टोनर नहीं लगाते। इसलिए मैं कहती हूं तो टोनर लगाओ, हर चीज के कुछ स्टेप होते हैं। सनब्लॉक लगा रहे हो, थोड़ा बहुत पोर्स के अंदर गया, अब वो क्रीमें, वो मेकअप, वो फेस पाउडर, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पोर्स के अंदर जमा होते जाते हैं। ऐसे नहीं अचानक से ब्लैक हेड, व्हाइट हेड हो जाते मेरी जान, वो हो के जब आप डेली क्लेंजिंग नहीं करते, एक्सफोलिएशन नहीं करते मैं हफ्ते में 1 से 2 दफा, तो फिर वो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स बन जाते, फिर स्किन गंदी लगने लगती है। मैंने मेरी जान अभी जो मेरा मिनिमम जो मेकअप रूटीन है, वो लोगों ने अक्सर लाइव भी देखा होगा, बताती हूँ 1 सेकंड। मैं बीबी क्रीम बनाती हूँ DIY। बीबी क्रीम कैसे बनाती हूँ अभी दिखाती हूँ तुम्हें, वो लगाई हुई और ऊपर फेस पाउडर लगाया हुआ। वालेकुम अस्सलाम शाहीन जी, इन्नलिल्लाहिराजिऊन। बहुत अफसोस हुआ शाहीन आपकी बात सुन के, और जबकि मैंने दुआ की भी थी, मुझे बिल्कुल आपका कमेंट याद है। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को बहुत सब्र दे, बहुत सब्र दे। वो भी टिश्यू दे, मैं भी क्या बोलूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। बस अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे, और जो जिसमें अल्लाह ताला की बेहतरी हो। अभी मैं ये भी बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जाहिर सी बात है हमारे लिए बोलना बहुत आसान होता है कि अल्लाह की बेहतरी इसी में थी, जो कि होती है, बिल्कुल बेशक होती है, लेकिन जिसका अपना कोई जाता है तो मुझे इस बात का अंदाजा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके भाई की मगफिरत करे इंशाल्लाह। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं बाकी चीजें भी, क्या नाम है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो फेस वॉशेज हैं, इंश आमीन आमीन किरण आमीन। अच्छा एक तो ये चीज हो गई, मैंने इस हवाले से गाइड कर दिया। बाकी जो फेस वॉशेज अगर आप देखोगे, तो फेस वॉशेज में भी आपको हर्बलाइट की
क्योंकि हर स्किन की अपनी रिक्वायरमेंट है, कोई ड्राई है, कोई रफ है. अच्छा एक मिनट, अभी मैं किस बात पे थी, मैं अभी इस चीज पे थी, क्लेंजिंग एंड एक्सफोलिएशन की. ठीक है, तो क्लेंजिंग लाजमी करो डेली ताकि गंदगी और वो सारी चीजें आपकी स्किन में से निकले, तभी वो क्रीम भी अच्छा असर दिखाएगी जो आप लगा रहे हो और आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ये सारे मसले भी नहीं होंगे. आमीन. अच्छा, इसी तरीके से फेस वॉश भी हर कोई चाहता है कि यार मुझे मेरे मेरे मतलब का ट्रीटमेंट मिले, मेरी स्किन ऐसी है. आमीन. मेरी मेरी ये मसला ऐसा है. अब फर्ज करो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको नजला हो रहा है, आपको खांसी हो रहा है, आपको लाइक अलग अलग मसले, आप चाहते हो ना यार मुझे डॉक्टर डिटेल में देखे और मुझे मेरे प्रॉब्लम के हवाले से. ड्राई स्किन के लिए कॉफी क्लेंजर बेस्ट. अगर स्क्रब की बात करो तो वॉलनट एंड मैपल शुगर स्क्रब बेस्ट. ये चीजें आप इनबॉक्स में भी गाइडेंस ले सकते हो. थैंक यू दिया मेरी जान, थैंक यू सो मच. नहीं अरुबा मेरी जान ऐसा नहीं है, बिल्कुल वही बात है. नहीं, प्रोफेशनल टोनर की बात अलग है, रोज वाटर भी कर सकते हो लेकिन उसकी वो बात नहीं है. हेरा मेरी जान आप सही से प्रॉपर यूज कर रही हो, मुझे एक बार स्किन की पिक्चर जरूर दिखाना, लगाती किस तरह हो ये जरूर दिखाना. ठीक है, इंशाल्लाह ताला जरूर फर्क पड़ेगा. और सनब्लॉक मत भूलना, मत भूलना. चूल्हे के आगे जब आप जाती हो, धूप में जब आप जाती हो, सनब्लॉक मत भूलना. ठीक है, तो जिसकी ऑयली स्किन है, जिसकी ड्राई स्किन है, तो हर स्किन के हिसाब से आपको फेस वॉश मिलेगा. इसके अलावा सोप रेंज में भी आप लोगों को पता ही होगा, हर्बरेट की ब्राइडल सोप है, चारकोल सोप है, टी ट्री सोप है, राइस व्हाइटनिंग सोप है. सबके अपने बेनिफिट्स है, लेकिन हर्बरेट के जितने भी सोप रेंज है या फेस वॉशेस की बात कर लो, ये सब पैराबेन फ्री है. ये बच्चों को भी लगा सकते हैं और ये सोप रेंज ऐसी है कि हम नॉर्मली बच्चों को सारे साबुन यूज तो कराते हैं, छोटे बच्चों को भी साबुनों से नहला रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, उनको यूज करा रहे होते हैं, मुंह भी धुला रहे होते हैं, लेकिन हर्बरेट की सोप रेंज जब आप बच्चों के फेस पे लगाओगे उनकी आंखों में मिर्चें भी नहीं लगेंगी. यहां से आपको पता लगेगा कि हाँ इसमें और बाकी उसमें क्या फर्क है. और वाकई जब कोई जेन्युइनली मेडिकेटेड और केमिकल फ्री सोप होता है उसका वो कैसे असर करता है फिर आपको आइडिया होगा. डील्स अभी रेगुलर डील्स अवेलेबल हैं, ईद की डील्स आने वाली है इंशाल्लाह ताला. ठीक है जी, लेकिन अभी उसमें 10-15 दिन है. अच्छा जी, तो मैं बालों का बता दूं, बस मैं लाइव एंड करने लगी हूं तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बालों का बता देती हूं. बालों का तो खैर अब मुझे बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत है, इसलिए क्योंकि मेरे बाल अब खत्म हो गए. खत्म से बुरा कम, कट कट के बहुत छोटे हो गए उम्र पे. वालेकुम अस्सलाम, मिस यू टू मेरी जान, थैंक यू सो मच. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. ड्राई सोप भी बच्चों को करा सकते हो, कोई मसला नहीं है. अच्छा सबसे पहले तो मैं हेयर कलर शैम्पू का ही तुम लोगों को बताऊं. हेयर कलर शैम्पू तुम लोग बच्चों के, बड़ों के, सबको, सबके 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 यूज करवा सकते हो. हर्बरेट का हेयर कलर शैम्पू हमने एक 20 साल के लड़के पे लाइव एयरवाई में डेमो दिया था. मैंने अपने फादर के यूज करके वीडियो बनाई. माय फादर इज डायबिटीज, और जो डायबिटीज होते हैं उनको किसी भी हार्मफुल केमिकल से रिएक्शन फौरन होता है. जो एक बियर्ड पे वीडियो बनी हुई है, एक आप लोग देखना हेयर कलर शैम्पू की. ही इज माई फादर एंड ही इज डायबिटीज सिंस मेनी ईयर्स. तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लो. मैंने इसके अलावा अपनी जो मेरे यहां वर्कर थी उस पर वीडियो बनाई, शी वॉज ऑल्सो अ टीनेजर. और खुद मैंने यूज नहीं किया, मेरे बाल जेट ब्लैक है. मैंने कहा अभी मेरे बालों पर सही पता नहीं लगेगा, तो जिन जिन के व्हाइट बाल थे, ग्रे बाल थे, मैंने सब पे पकड़ के वीडियो बनाई. इवन लाइव शो में भी, एआरवाई के लाइव गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में भी लाइव मैंने दिखाया. ठीक है, तो वो हर कोई यूज कर सकता है बेफिक्र होके. बाकी जहां तक बात रही, क्या नाम है, बालों के बाकी छोटे बड़े हर प्रॉब्लम की, तो हर्बलेट की हेयर डील इज बेस्ट बेस्ट बेस्ट. मतलब सारे प्रोडक्ट एक तरफ, हेयर डील एक तरफ. ये बात इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कुछ भी जब लॉन्च नहीं हुआ था, ये बड़ी पुरानी बॉटल, कोई दूसरी बॉटल नहीं, इतनी पुरानी है,
बॉटल पड़ी हुई है, मेरी साइड टेबल पे पड़ी हुई होगी अभी, तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं प्रॉपर पूरी, क्योंकि मैं एक हेयर ग्रोथ चैलेंज ले लूं, क्योंकि मेरे अपने बाल तुम लोग देख लो कितने छोटे हो गए उम्र पे कट कट के ना, जाहिर सी बात है उम्र पे बालों की कुर्बानी तो देनी पड़ती है, तो इस वजह से मैंने कहा कि मेरे बाल खुद बहुत छोटे से होगा, बस ये रहेगा बस कितने लंबे मेरे बाल थे और मेरे बाल कितने से रह गए, तो मैंने सोचा मैं खुद एक हेयर ग्रोथ चैलेंज वीडियो बनाऊं। अभी तो मैंने एक बार भी नहीं लगाया ऑयल, जब दो दिन हो गए मुझे आए हुए, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, रूटीन इतनी वो हो गई है, जाहिर सी बात है मेरे बेटे की रूटीन बिल्कुल आउट हो गई है, तो बस इस चक्कर में। अच्छा जी, तो हर्बलेड के जो हेयर प्रोडक्ट्स उसके बारे में हर बच्चे बच्चे बड़े बड़े को पता है, चाहे आपको पैदाइशी गंजपन जैसे बड़े मसाइल हो, गंजपन जैसे पैदाइशी गंजपन जैसे, या चाहे छोटे छोटे मसले हो, हेयर ऑयल बेस्ट है। थैंक यू हिरा। हेलो अरुष, अरुष्मिश, आई एम गुड, हाउ आर यू। हर्बलेड की बेसिक हेयर डील जिसने नहीं यूज की, डू गिव इट अ ट्राई। मेरे पास मतलब मैं क्या बोलूं हेयर प्रोडक्ट के बारे में, जब कुछ नहीं था 2017 के एंड में हर्बलाइट लॉन्च हुआ, जब कुछ भी नहीं था तो ये प्रोडक्ट है, सिर्फ ये प्रोडक्ट है बस। आज 75 प्रोडक्ट है माशाल्लाह, और वो इसकी वजह से, इन प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से, बालों के प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि जो आज हमारे क्लाइंट्स है ना, जो बोलते हैं कि यार हम तो शफक 6 साल हो गए आपके साथ, 7 साल हो गए, उन्होंने सबसे पहले हेयर प्रोडक्ट ट्राई किए थे, इसके रिजल्ट अच्छे लगे, और इससे माशाल्लाह ताला ने इतनी मुझे वो दी इज्जत और कामयाबी, हेयर ऑयल शैम्पू इन चीजों की वजह से इतनी अल्लाह ताला ने मुझे इससे इज्जत दिलवाई, इतनी वो दिलवाई कि मतलब हमने इन 6 सालों में 75 प्रोडक्ट लॉन्च किए, और सब माशाल्लाह सबके रिजल्ट रिव्यूज सामने आप लोगों के। क्योंकि जिनको पैदाइशी बालों के मसाइल थे, गंजपन था, हेयर फॉल था, फिर कितने कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया इस ऑयल, साथ में शैम्पू कंडीशनर हर्बलाइट का यूज करो, पैराबेन फ्री, सिलिकॉन फ्री है 100%, खारे पानी जिनके आता है कर लो, अगर आप ट्रेस्मे का शैम्पू यूज कर रही हो आप उसके साथ हर्बलाइट का कंडीशनर कर लो, कोई मसला नहीं। शैम्पू कंडीशनर क्यों जरूरी है मेरी जान, मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज बुलडॉग रूट ट्रीटमेंट ऑयल, बुलडॉग रूट अफ्रीकन जड़ी बूटी है, ऐसी जड़ी बूटी है जो वो जो कहते हैं ना बालों का A to Z लिख लो मसले सबका हल है, एंड हर्बलाइट इज द फाइनेस्ट इम्पोर्टर ऑफ बुलडॉग रूट इन पाकिस्तान, और कोई बुलडॉग रूट इम्पोर्ट नहीं कर रहा, आमला रीठा प्याज सीकाकाई सरसों का तेल नारियल का तेल ये सब नहीं है, क्योंकि इन सब से ना गंजपन नहीं खत्म होता, होता होता तो आज कोई भी ऑनलाइन बैठ के ऑयल नहीं खरीद रहा होता, सब आमला रीठा सीकाकाई का पाउडर लगाते उनके बाल निकलाते। मेरे पास ऐसे भी लोग आए कीमोथेरेपी वाले, और इसमें झूठ नहीं है, मेरे ग्रुप पे जाके देख लेना, झूठ का तो अगर सवाल ही नहीं पैदा होता, और माशाल्लाह लोगों को पता है, जिनको जो यूजर्स है उनको पता है कि वालेकुम अस्सलाम उमरा, बहुत बहुत मुबारक, और आपके प्रोडक्ट औसम है, हाईली रिकमेंडेड, थैंक यू सो मच। छोटे से छोटा मसला, चाहे पैदा हुआ बच्चा है, चाहे बड़े से बड़ी उम्र का के खवातीन है, मर्द है, सबके लिए बेहतरीन है, छोटे बड़े हर मसले के लिए, मैं नाम नहीं ले रही, हर मसले के लिए। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जिनके आप पानी खारा आ रहा है उनको थोड़ा टाइम लगे, पानी का भी मसला है, कोविड पेशेंट्स जितने मेरे पास आए माशाल्लाह सबने दुआएं दी, लेकिन उनको टाइम लगा, क्योंकि अंदरूनी कमजोरी इतनी थी उन्हें कि जाहिर सी बात है थोड़ा अंदरूनी कमजोरी की वजह से भी जो है वो हो रहा था ना, टाइम लग रहा था। तो जो सच है वो सच है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा ऑयल 1000 लोगों ने यूज किया, 1000 लोगों के एक हफ्ते में बालों की ग्रोथ हो गई, नहीं, 1000 अगर मैं 7 सालों में एक मिसाल दे कि फर्ज करो 1000 लोगों ने ऑयल यूज किया, हालांकि क्लाइंट्स माशाल्लाह बहुत है माशाल्लाह इनगिनत पूरी दुनिया में, माशाल्लाह हर मुल्क में, जहां अभी सऊदी अरब के ऑर्डर्स हमने डिलीवर किए जब मैं उम्रे पे गई, दुबई गई थी माशाल्लाह तब इतने ऑर्डर्स थे, यूके यूएस हर जगह से। और तीन चीजें सबसे ज्यादा हिट जाती हैं बाहर, मतलब क्योंकि बाहर का पानी खराब है काफी ज्यादा ना, इवन पूरे यूएई का पानी भी बड़ा खारे टाइप है, तो एक वाइटनिंग किट, एक एक्नी ट्रीटमेंट और बालों का ट्रीटमेंट और सैफ्रॉन क्रीम सबसे ज्यादा माशाल्लाह बाहर सेल होते हैं। तो ऐसा है कि हाँ यार, किसी ने बोला यार शफक एक हफ्ता हुआ है अभी तो खास रिजल्ट नहीं मिले, तुम लोग के सामने बोल रही हूँ क्योंकि
जाहिर सी बात है, ये एक जेन्युइन एक चीज है, तो होता है ना ऐसा। कोई कह रहा है और शिफा मैंने तो 2 दिन हुए वॉश किए, हेयर फॉल बिल्कुल खत्म हो गया, इसमें कोई जिन है क्या? अब बाकी लोग वो रिव्यू पढ़ रहे सोच रहे यार हमारा भी 2 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन में हेयर फॉल नहीं खत्म हुआ, मुझे आके बोल भी रहे कि यार शफक हमारा तो 2 दिन में नहीं हुआ, उनको 2 हफ्ते लग गए। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल चीज है। ये जो लोग ऑनलाइन बैठ के क्लेम करते हैं ना, मैं अभी माशाल्लाह उमरा करके आई हूँ, ना मैंने पहले कभी ऐसी बात की ना सवाल ही पैदा ना, तो मैं बोलूं सिर्फ एक चीज बेचने के लिए मैं बोलूं कि ये ले लो 10 दिन में सबके मसले हल। वो जो अक्सर देखे वेट लूज करने के इश्तेहार चल रहे होते हैं, एड्स चल रहे होते हैं, 20 kg कम करे 20 दिनों में, मतलब क्या हर्बलेट की स्लिमिंग डिटॉक्स थी। माशाल्लाह तुम लोग रिव्यूज पढ़ोगे, किसी का रिव्यू देखोगे 1 महीने बाद, किसी का 2 हफ्ते बाद, किसी का 3 हफ्ते बाद, भाई सबका माशाल्लाह अपने अपने टाइम पे हो रहा है। बाकी ऑयल के साथ शैम्पू कंडीशनर क्यों सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम लोग तेल लगा लिया, सब कुछ कर लिया, वही केमिकल वाले शैम्पू, वही केमिकल वाले सल्फेट वाले कंडीशनर्स, फिर बात वही की वही हो जाती है। आपने एक चीज यूज की और उसके बाद वही सब अपना वही केमिकल वाला शैम्पू हेयर फॉल कुछ। और ऐसा हुआ है जैन मुझे लोग आके बोलते हैं आज हमें तो इतना फर्क नहीं पड़ा हेयर फॉल में, हमने तो ऑयल यूज किया। ये मैं उस वक्त की बात बता, अब तो खैर मैं बोलती हूँ यार मेरी वो ही नहीं, आपने लाजमी शैम्पू कंडीशनर लेना है साथ में हर्बलाइट का, क्योंकि आप जो शैम्पू यूज करो उसमें सल्फेट है, केमिकल है, और ये चीजें तो बाल गिराएंगी जाहिर सी बात। ऐसा भी हुआ है कि मैंने शैम्पू के सैंपल निकाल के लोगों को दिए सिर्फ इसलिए कि लोग देखें इसको यूज करें, फिर वो दोबारा फिर वो खुद मंगवाए। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कि यार हमारा तो हेयर फॉल सही से कम नहीं हो रहा, फिर मैं उन्हें मैंने सैंपल्स भेजे कि अब आप इस शैम्पू के साथ ट्राई करें। क्यों? क्योंकि एक तरफ तेल लग रहा है, उसके ऊपर वही केमिकल वाला शैम्पू से फुल बाल धुल रहे हैं, फिर फायदा क्या? आपने खुद ही अपनी मेहनत पे पानी फेर लिया। 100% सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, बच्चों बड़ों दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है, कि डील्स भी आपको मिल जाएंगी। आई थिंक 1950 में तीनों चीजों की डील है, और ओनली ऑयल एंड शैम्पू 13 या 14.50 का है, ठीक है, डील्स तुम लोग चेक कर सकते हो। और जिनके बाल फ्रिजी है, डैमेज है, कलर वाले बालों पे भी यूज कर सकते हो, रिबॉन्डिंग वाले बालों पे भी कर सकते हो, एक्सटेंसो वाले बालों पे भी कर सकते हो। और एक्सटेंसो वाले बालों से मैं एक चीज बता दूं कि मैंने एक्सटेंसो करवाई है, एक महीना उम्रे पे जाने से 3 दिन पहले मैंने एक्सटेंसो करवाई थी। अब मैं इंशाल्लाह ताला कल करूंगी, देखो कल परसों जब भी ऑयलिंग करूंगी, लाइव करूंगी, मेरे बाल फुल कर लिए, फुल कर लिए। जिसने देखे होंगे उसे पता होगा मेरे बाल बहुत कर लिए, और अभी तो खैर उम्रे पे जाके बिल्कुल कट गए, मेरे बाल लंबे थे शॉर्ट हो गए। अब तो खैर है, कोई मसला नहीं, बाल ही है, अल्लाह ताला के लिए तो खैर कुछ भी बंदा कुर्बान कर दे वो कम है। तो मैंने कहा बाल ही, ऑयल लगाएंगे बढ़ जाएंगे, तो बस ये सीन है। और बाकी जिनके बाल रफ हैं, फ्रिजी हैं, डैमेज हैं, खराब हो गए हैं, मान लो ना जूना बन गए, उनके लिए हर्बलेट का प्रोटीन ट्रीटमेंट मेयोनीज। ये ऐसा मेयोनीज है बालों का, इसमें हर चीज है बालों की, हर चीज है। इसके लाइव रिजल्ट दिखाए मैंने, और कितनी दफा दिखाए इन 7 सालों में मुझे याद नहीं, कितने लोगों पे दिखाए हैं खुद समय, सबसे बढ़ के अपने ऊपर ही, क्योंकि बहुत कम होता है कि लोग अपने ऊपर 6 सालों से एक ही प्रोडक्ट यूज करके दिखाए जा रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हर उम्र में, शादी होने वाली है तब भी। एक होता ना कोई ऐसी वैसी चीज हो तो बंदे को डर होता है शादी होने वाली है मेरे ऊपर कोई रिएक्शन ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर कंडीशन में दिखाए। प्रेगनेंसी में कितने प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो वैसे सही है लेकिन प्रेगनेंसी में आपको रिएक्ट कर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के सेशंस आज भी मेरे पेज पे ग्रुप पे पड़े हुए होंगे, तुम लोग जाके देख सकते हो। आज भी मैंने हर प्रोडक्ट उसमें भी यूज करके दिखाया, हर्बलेट की व्हाइटनिंग क्रीम, हर फॉर्मूला क्रीम, हर केमिकल वाली क्रीम प्रेगनेंसी में रिएक्ट करती है। मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि कोई आए और इतने साल का 1 हफ्ता भी रेगुलर यूज करके दिखाए अपने ही प्रोडक्ट, स्पेशली प्रेगनेंसी में मैंने यूज करके दिखाए। हर्बलेट का प्रोटीन ट्रीटमेंट मेयोनीज साथ में यूज कर सकते हो, अगर आपको सिल्की चाहिए, थोड़े और स्मूथ सॉफ्ट डैमेज फ्री चाहिए, ठीक है, तो ये कंप्लीट हेयर डील भी है, ये भी आपको डिस्काउंटेड डील मिल जाएगी। इसके अलावा प्रोडक्ट बहुत सारी है, लेकिन बस थोड़ा सा सेशन एंड करियो, आज व्यूज मजे के नहीं है। कल मैं वीडियो अपलोड करूंगी, सबने लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करना है, 3 लकी ड्रॉ करेंगे कल हम अच्छे से, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारे, मैंने तो अभी मेकअप भी नहीं दिखाया। कलर शैम्पू का मैं बता देती हूँ, मेरी जान पानी पी लूं।
हेयर मायो मास्क मिल जाना अलग से 1199, ठीक है। हेयर कलर शैम्पू में मेरी जान वैसे तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, इंस्टेंटली विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके बाल कलर हो जाते हैं। व्हाइट बाल, ग्रे बालों के मसले बहुत आते थे, बहुत आते थे। थैंक यू सो मच सुमेरा, वो उसका ग्लो ही अलग होता है। हालांकि मेरी स्किन बड़ी खराब हुई वहां जाके, मतलब उससे नहीं कह रही, मौसम चेंज था ना, ड्राई बहुत था और धूप में आना जाना, ना मैं स्किन केयर देख रही, ना भूख, ना कुछ कुछ भी, उस वक्त आपको होश नहीं होता बस बंदा। और फिर स्पेशली जो मुझे टाइम मिलता था, उस वजह से मेरे साथ तो एक छोटा बच्चा था, मेरा बेटा है 1.5 साल का माशाल्लाह, तो मैं उसको जो है जब टाइम मिलता तो उसको टाइम दे रही हूँ, वरना तो अपनी तो मतलब कुछ भी नहीं थी भाई। मैं बता रही हूँ ना, मैं इतनी स्किन केयर की चीजें पैक करके लेके गई थी, और यूज मैंने क्या किया, उपटन लेके गई थी मैं सैंपल वाले जार में, जिस जार में तुम लोग को फ्री सैंपल नहीं दिया जाता। तो मैंने टोटल 2 दफा की 15 दिन में क्लिंजिंग, हाँ मैं करती थी तकरीबन डेली की क्लिंजिंग कर लेती थी, डेली, कभी डेली भी, बीच में कुछ दिन छूटे भी, और क्रीम कभी लगाती थी कभी नहीं लगाती थी। हेयर कलर 30 से 40 दिन आराम से, सबाहत आराम से। हेयर कलर शैम्पू तो एक बॉटल जो है ना आपकी, वो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 10-12 महीनों की, साल नहीं तो कम से कम 10 महीने तो आप लगा लो। हाँ मैं भी बताने लगी हूँ मैंने भी किस तरह मेकअप किया हुआ है, और ये जो मेकअप वाला लुक है ये मैं बहुत बार लाइव भी दिखा चुकी हूँ करके, कल इंशाल्लाह तुम लोग को दोबारा दिखा दूंगी, अभी भी दिखाती हूँ। बीबी क्रीम मैं कैसे खुद से बनाती हूँ वो भी बताती हूँ, दिखाती हूँ बना के तुम लोगों को। बस आप इसके शैम्पू और मिक्सर कंडीशनर आपको इसके साथ फ्री मिलता है, आपने दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स किया, लगाया आपने, इतने में अपनी बॉडी बॉडी वॉश की जो करना है आपने किया, और बस जा रही रवि कल आऊंगी। तो जो है, और फिर आपने फिर अपने बस बाल धो लिए। दिया मेरी जान हर्बल की जितनी भी क्रीम है, व्हाइटनिंग की क्रीम ले लो आप, बेस्ट है वो, समर विंटर दोनों में चलती है। एक्नी ट्रीटमेंट की बेसिक डील 2250, एक्नी सिरम साथ में उसका जो फेस वॉश है, दाने दानों के निशान गड्ढों सबके लिए। अच्छा बस बीबी क्रीम डीआईवाई जल्दी से बता देती हूँ, फिर कल तुम लोगों ने अगर नहीं किया ना अच्छा सा लकी ड्रॉ वो शेयरिंग, तो बस फिर देखना। आज इतना मतलब मैं इतने अरसे बाद लाइव आई थी, मेरा तो बड़ा दिल था मैं आज करूं लकी ड्रॉ। अच्छा जी मैं क्या करती हूँ, पहले लेती हूं मैं हर्बलेट की डे वाइटनिंग क्रीम, ठीक है, डे क्रीम लिया आपने थोड़ी सी। डे क्रीम में इससे बड़ा एक अच्छा सा व्हाइट सा ब्राइट लुक आ जाता है ना, तो इसमें एसपीएफ भी ये लेती हूं, और इसके साथ मैं लेती हूँ हर्बलेट का क्रीम फाउंडेशन। तुम लोग चाहो तो मूज भी ले सकते हो, मूज भी इसके साथ चलता है, मैंने इसके साथ भी बना के इसको देखा है, लेकिन मैं क्रीम फाउंडेशन ज्यादा क्योंकि इस्तेमाल करती हूँ, मुझे वो पसंद ज्यादा है। मेरा शेड है आइवरी, लेकिन ये 45 शेड है, मैं 45 के साथ ही बना के दिखा देती हूँ, मुझे आइवरी अभी मिल नहीं रहा। पड़ा हुआ यहाँ पे मेरी जान हर्बलेट का एक्नी ट्रीटमेंट टीनेजर्स के लिए भी बेहतरीन है, एक्नी होते ही मोस्टली टीनेज में, नो केमिकल नो प्रिजर्वेटिव। बहुत खवतीन अपने बच्चों के लिए टीनेजर्स के लिए ले रही होती है, 11, 12, 13 साल के बच्चों को भी आप यूज करवा सकते हो। झाइयों के लिए हर्बलेट की ग्लूटाथियॉन नाइट व्हाइटनिंग क्रीम, जो सालों से माशाल्लाह लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ओपन पोर्स के लिए टोनर एंड क्ले मास्क यूज करो, ये भी मैं बता चुकी हूँ अच्छे से। अच्छा डे क्रीम ली, अब ये मूस क्रीम फाउंडेशन ले रही हूं हर्बलाइट का, बहुत मजे का फाउंडेशन। ये वैसे भी अगर लगाओगे ना तो इतना जबरदस्त, इतना क्रीमी इसका टेक्सचर है, मैं थोड़ा सा लेके ना हल्का सा बस एक फिंगर पे ही मैंने स्वैच किया। अब इनको अच्छे से मिक्स कर दो, और ये देखो कितना जबरदस्त था टिंटेड जो है ना वो बाम रेडी हो जाते हैं। अभी तो मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ, बहुत व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, अपना शेड मिलाओ तुम उसमें फिर आप देखो। तो ये एक ना डीआईवाई सी समझो, और कितनी सारी बन गई, हालांकि मैंने कितनी थोड़ी सी ली थी,
ये इस तरह मैं बीबी क्रीम बना के लगाती हूँ और फेस पाउडर लगाती हूँ मैं हर्बलाइट का, कभी लूज पाउडर भी लगा लेती हूँ, लेकिन जो अभी ट्विन केक आया है ना नया जो लॉन्च हुआ है, फेस पाउडर मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ, बेस्ट है, बेस्ट है, वाटर रेजिस्टेंट है, एसपीएफ 45 के साथ है, शेड नंबर 2, 1 जो है ना वो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा व्हाइट हो जाता है, शेड नंबर 2 में लगाती हूँ। क्रीम किस चीज की तारिक अंसारी, ठीक है ये मैंने लिया, इसका स्पंज भी दिया होता है और इसी से बीबी क्रीम लगाई, अभी तो मैंने लगाई हुई थी इसलिए मैंने बस यहां लगा के दिखाई हल्की सी, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा लग जाती ना, और इसके ऊपर ही फेस पाउडर लगा लिया बस, बाकी मैंने ब्लश ऑन लगाया हुआ है। कामरान शहजाद के नाम से, अमीना अमीना मेरी जान मुझे नहीं पता, ये तो डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट में पता होगा, इसलिए जहां ऑर्डर प्लेस किया है उनसे पूछो, आप इंस्टा पे किया है तो इंस्टा पे पूछो, जहां पे किया है वहां से पूछो कि वो आपको पूछ के बताएं, शिपिंग डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट अलग है, हर डिपार्टमेंट अलग है, ले ऑर्डर लेता कोई और है, पैक कोई और डिपार्टमेंट कर रहा है, सब चीजें अलग अलग है। हाँ डे क्रीम को एब्जॉर्ब करो, डे क्रीम को तो एब्जॉर्ब करो मारिया मेरी जान, फेस पाउडर प्राइस अभी डिस्काउंट में 850 है, कितना एक स्मूथ फिनिशिंग वाला लुक आ जाता है। झाइयों के लिए हर्बलेट की ग्लूटाथायोन नाइट व्हाइटनिंग क्रीम, वैसे तो हम पूरी किट देते हैं लेकिन जो पूरी किट अगर स्टार्ट में नहीं भी लेना चाह रहा, ग्लूटाथायोन आपकी अपनी बॉडी में पाया जाने वाला इंग्रेडिएंट जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे आपके लिवर में रखा है, ग्लूटाथायोन जिसके इंजेक्शन भी लग रहे हैं आजकल सेलिब्रिटीज लगवा रहे हैं, ग्लूटाथायोन नाइट व्हाइटनिंग क्रीम, ठीक है। ऑर्डर के लिए आप इनबॉक्स कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस पेज से मैं लाई हूं उस पेज पे वेबसाइट भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे चेक कर लो। और देखो यहां पे देखो एक लुक, और यहां पे देखो मैंने भी इस पार्ट पे रिफ्रेश किया है ना, क्रीम ब्लश भी हल्का सा तुम लोगों को लगा के दिखा देती हूँ, अब लेके क्रीम ब्लश भी बहुत प्यारा है, यह है शेड नंबर 4, इट्स माय फेवरेट शेड, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ब्रश, मुझे मेरी पसंद का मिल नहीं रहा, बहुत ज्यादा लग गया, बहुत ज्यादा मैंने लगा लिया, ये थोड़ा सा भी नहीं बहुत रहता है। और इसी को अगर मैं लिप्स पे लगा के तुम लोगों को दिखाऊं, क्रीम ब्लश को तो उसका, वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल नौशीन डील है मेरी जान, थैंक यू सो मच साइमा, वालेकुम अस्सलाम। मैंने बीटीएस लगाया हुआ है टू फेस का, ये आपका मैट लिप शेड भी है, क्रीमी मैट हो जाता है ये चंद सेकंड बाद, और ये आपका क्रीम ब्लश भी बन जाता है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें बहुत प्यारे 6 शेड्स हैं। मेकअप वाला जो हमारा पेज है उसका लिंक मैं ना लाइव एंड करके अभी ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, कल मैं मेकअप वगैरह सारी चीजें दिखाऊंगी। हयात मेरी जान क्यों, कोई किसी बीमारी की वजह से है हेयरफॉल, क्यों ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से है मुझे आप इनबॉक्स पे बताओ, क्या अभी मैं लाइव एंड करने लगी हूं, पेज पर क्या जो कल वापस आया, कल वापस आया पेज पर किया जो कल वापस आया, क्या चीज है मीरा रिजन, डील्स ऑलरेडी बहुत डिस्काउंटेड है, मेकअप डील्स भी हैं, सब चीजों की डील्स हैं, सब चीजें डिस्काउंटेड प्राइस में, अब मैं लाइव एंड कर रही हूँ कल इंच, और क्या नाम है आपका हयात मेरी जान, मुझे आप इनबॉक्स करके बताना जरूर डिटेल में, ठीक है। पानी खा रहा है क्या मसला है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।